कैसे हैं आप सभी। मैं मिसेस अनु रॉय आप सभी का कंपटीशन कम्युनिटी के इस मोबाइल कोर्स में स्वागत करती हूं। बच्चों, अब तक मेरे द्वारा आपको CGPSC प्री में पूछे जाने वाले भाषा, जिसमें से हिंदी भाषा और छत्तीसगढ़ी भाषा का प्री के अकॉर्डिंग सिलेबस जो है वो कंप्लीट कराया है, ठीक है। जो बच्चे प्री की परीक्षा पास करके अब मुख्य परीक्षा की ओर आगे बढ़ चुके हैं, उनके लिए मेरे द्वारा अब मेंस के जो सिलेबस हैं हिंदी के, जिसमें 100 नंबर के हिंदी और 50 नंबर के छत्तीसगढ़ी जो रिटन में हैं, उसके बारे में सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर चर्चा जो है वो की जाएगी। सबसे पहली बात, हम यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि हम यहाँ सबसे पहले जानेंगे सिलेबस के बारे में, ठीक है। सबसे पहली बात कि हम यहाँ सिलेबस के बारे में जानेंगे और वो सिलेबस में हम पढ़ेंगे मुख्य परीक्षा में आने वाला प्रथम प्रश्न पत्र भाषा के बारे में। थोड़ी सी सिलेबस की चर्चा कर ली जाए। यूँ तो आप सभी को पता है कि प्री और मेंस के सिलेबस में क्या अंतर होते हैं। मैं हर बार आपको हर वीडियो में यही कहती हूँ कि हिंदी आपका सर्वोत्कृष्ट विषय है, जो सबसे ज़्यादा आपको अंक देने वाला होता है। चूँकि ये मुख्य परीक्षा का प्रथम प्रश्न पत्र होता है, यह अगर बहुत अच्छा से आपके द्वारा हल कर लिया गया तो आपका मानसिक जो संतुलन है वह और मजबूत होता है और आने वाले प्रश्न पत्र के लिए आप बहुत अच्छे तरीके से डूबकर तैयारी करने लगते हैं। लेकिन यदि आपका पहला प्रश्न पत्र ही थोड़ा सा खराब जाता है तो आपका मनोबल जो है वो थोड़ा टूटने लगता है और ना चाहते हुए भी आपकी जो महत्वपूर्ण तैयारियां जो आपने अलग अलग विषयों के लिए कर रखी होती हैं उसमें आत्मबल थोड़ा सा डगमगाने लगता है। गणित की तरह हिंदी को भी प्रतिदिन 1 घंटा जो है कम से कम देना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात कि हिंदी भाषा में आपको 60% जो टॉपिक्स होते हैं वो आपको याद करने वाले होते हैं, केवल 40% ऐसे होते हैं जो आपकी प्रैक्टिस पर या आपके लेखन पर कार्य करता है। अब प्रश्न ये उठता है कि मैं इंग्लिश मीडियम का हूँ, मुझसे तो हिंदी लिखा नहीं जाता। तो बेटा, ऐसा तो है नहीं कि हिंदी का पेपर है तो आप इंग्लिश मीडियम वाले हो तो आप उसको इंग्लिश में लिखोगे। जैसे आप एक मैसेज टाइप करते हैं और MERA लिखते हैं और वो कन्वर्ट हो जाता है मेरा में, वो सिर्फ एक डिजिटल वर्ल्ड में हम कर सकते हैं, परंतु किसी प्रशासनिक सेवा की परीक्षाओं में, विद्यालयीन परीक्षाओं में, किसी परीक्षाओं में ऐसी कोई भी सुविधा नहीं है। जो भाषा है तो भाषा के अनुसार उसे लिखा जाना ज़रूरी है। जब तक यह 200 अंक का था तब तक 50 नंबर हिंदी, 50 नंबर संस्कृत, 50 नंबर अंग्रेजी और 50 नंबर आपके छत्तीसगढ़ी भाषा के लिए वितरित किए गए थे। परंतु जब से सिलेबस बदला गया तो जो संस्कृत भाषा को हटा देने के बाद उसके 50 नंबर जो थे वो अब हिंदी में जोड़ दिए गए और आपके सिलेबस में भी थोड़ा सा परिवर्तन किया गया। अब वो हिंदी जहाँ व्याकरण खंड ज़्यादा हुआ करते थे, अब उसमें थोड़ा सा MPPSC के सिलेबस में से भी पत्र लेखन से कुछ कुछ चीज़ों को बढ़ाया गया, साथ में कुछ नए तत्वों को यहाँ पर जो है वो डाला गया है, ठीक है। तो इसकी तैयारी हमें कैसी करनी है? पहली बात कि जो 60-40 का मैंने वेटेज बताया कि 60% जो ग्रामर पोर्शन है उसकी तैयारी आपके द्वारा केवल प्री में ही पूरी कर ली जाती है। वह बच्चा जो प्रारंभिक परीक्षा के लिए हिंदी को पढ़ता है उसके द्वारा कहीं ना कहीं मेंस के लिए भी हिंदी जो है वो तैयार हो चुकी होती है। कुछ ही बचे हुए हिस्से पर उसे ज़्यादा जो है वो तैयारी करने की आवश्यकता होती है। प्री में जहाँ वो रस अलंकार छंद को व्यापम के लिए छोड़ देता है, जब वो समास तक की चीज़ों को पढ़ता है व्याकरण खंड में, जहाँ वो ऑब्जेक्टिव हल करता है, जैसे कि हल करता है कि दिगंबर में कौन से संधि है या दिगंबर में कौन सा समास है, अब यही चीज़ मेंस में आकर लिखने को आ जाता है कि निम्न का संधि विच्छेद कर संधि का नाम लिखिए और निम्न का समासिक पद बनाकर समासिक शब्द का नाम लिखिए, ठीक है। तो बहुत सारे जो टॉपिक हैं आपके सिलेबस में वो कवर करा चुका होता है आपका प्री,
वो बच्चा जिसने सी सेट के क्वालिफाई हो जाने से हिंदी और छत्तीसगढ़ी जैसी भाषा को छुआ भी नहीं है, उसके लिए मेंस में आकर बहुत बड़ी परेशानी का सामना उसे करना पड़ता है जब नए सिरे से हिंदी को उसे पढ़ने की आवश्यकता महसूस होती है। प्रतिदिन एक पैराग्राफ किसी फ्रेंड को बोलिए, किसी फैमिली मेंबर को बोलिए जो आपको डिक्टेट करे। हम जो बचपन में डिक्टेशन स्कूल में बच्चों को दिया करते थे या हमें जो मिलता था, उससे बड़ा अपनी भाषा की त्रुटियों को सुधारने का कोई भी नुस्खा आज तक ईजाद नहीं किया गया है। इसलिए जो आपके द्वारा जो डिक्टेशन को हल किया जाएगा, जिसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स अगर आपके होते हैं, आप उस स्पेलिंग मिस्टेक्स को लिखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब आप उसे बार बार लिखेंगे तो जहन में वो बस जाता है और पर डे एक वर्ड पजल, जिसे कि हम शब्द सागर कहते हैं, जो समाचार पत्रिका में आती है, उसे भरने का प्रयास कीजिए, क्योंकि उसके अंतर्गत शब्द से संबंधित जैसे कि पर्यायवाची, विलोम, समुच्चारित से, विदेशज शब्दों से कुछ तत्व हैं जो पूछे जाते हैं और जिसके अंतर्गत हमें उस शब्द की आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं से प्रयोग करके एक शब्द का निर्माण जो है वो होता है, और कहीं ना कहीं हम वहाँ उसे समझने की कोशिश करने में, बनाने की कोशिश में हम उस शब्द के बारे में अंदरूनी तरीके से जानते हैं। हम जो चर्चा कर रहे हैं, जिसमें आपको सभी को पता है कि सिलेबस क्या होते हैं, मेंस के सिलेबस और प्री के सिलेबस में सिर्फ थोड़ा सा फ़र्क है कि भाषा बोध जो आप प्री में भी पढ़ते हैं, मेंस में भी पढ़ते हैं, लिपि प्री और मेंस दोनों में पढ़ते हैं, ठीक है। वर्णमाला जो अब तक सिर्फ प्री में पूछा जाता था, विगत 2-3 वर्षों से अब वो प्री के साथ साथ मेंस का भी एक हिस्सा जो है वो बन चुका है। आप पिछले प्रश्न पत्र को देखेंगे तो स्वर और व्यंजन से क्या समझते हैं और इस वर्ण का उच्चारण स्थान लिखिए, ऐसा प्रश्न जो है वो आया है। इससे संबंधित वर्तनी, वर्तनी के बाद शब्द विचार। शब्द विचार में रचना के आधार पर तत्सम, रचना के आधार पर आपके रूढ़ यौगिक योगरूढ़, इतिहास के आधार पर तत्सम तद्भव देशज विदेशज संकर, ठीक है, अर्थ के आधार पर सार्थक और निरर्थक, और इसी सार्थक में है पर्याय, एकार्थी, अनेकार्थी, समुच्चारित, विलोम, युग्म शब्द, ठीक है। इन सब से बनता है एक ऐसा शब्द जो है वो वाक्यांशों का एक शब्द। वर्तनी शुद्धिकरण, जब प्रयोग और रूपांतर के आधार पर विकारी और अविकारी है, तो ये जो विकारी और अविकारी है ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है प्री का, जो व्यापम में और प्री में पूछा जाता है। मेंस में इससे रिलेटेड जो सिलेबस में कभी भी पूछा नहीं गया है कि जो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, वचन, लिंग, काल, कारक रचनाएँ। अविकारी में क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ये जितना हिस्सा मैंने बताया ये सिर्फ व्यापम और आपके प्री का है। मेंस में यही चीजें आपकी छूट जाती हैं, परंतु उपसर्ग प्रत्यय, मुहावरा लोकोक्ति, संधि और समास यथावत प्री और व्यापम की तरह मुख्य परीक्षा में भी बना रहता है। यहाँ तक कि सिलेबस के बाद मुख्य परीक्षा व्यापम की और प्री की परीक्षाओं से खुद को अलग कैसे करती है, अब यहाँ पर आप पढ़ने लगते हैं संक्षेपण, जिसे हम संक्षिप्त लेखन कहते हैं, पत्रकारिता जो नया डाला गया जिसे जर्नलिज्म कहा जाता है, पत्र लेखन जिसे लेटर राइटिंग कहेंगे, अनसीन पैसेज जो अपठित गद्यांश है, अनुवाद कार्य जो ट्रांसलेशन वर्क है, हिंदी लिटरेचर की हिस्ट्री जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, और छत्तीसगढ़ के साहित्यकार और उसकी रचनाएं। इतना जो है पढ़ने से आप मुख्य परीक्षा के परीक्षार्थी हो जाते हैं और आपके द्वारा इनकी विशेष तौर पर तैयारी किया जाना ज़रूरी है। हमारा दिमाग कहता है संक्षेपण क्या है कि एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उसको जो है हमको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, तो संक्षेपण हमको आता ही नहीं है। इस 6 से 7 नंबर के संक्षेपण में हमें सिर्फ 2 से 3 नंबर ही क्यों मिलते हैं, हमें पूरे 6 से 7 अंक क्यों नहीं मिलते। संक्षेपण तो किया था ना मैंने, जब इतना बड़ा पैराग्राफ था उसे छोटा करके लिखा, परंतु वो नियम कहाँ पालन किए, वो तरीके कहाँ निभाए आपने जो संक्षेपण के लिए आवश्यक है।
यदि पत्र लेखन की बात करें तो पत्र लेखन में यदि कहता है कि पत्र का लेखन में अधिसूचना से आप क्या समझते हैं, एक प्रारूप तैयार कीजिए, तो ये दोनों अंक पहले बटे हुए हुआ करते थे। अब की परीक्षा प्रश्न पत्र को देखिए ना, यहाँ पर आपको पत्र लेखन से दो प्रश्न दिए जाते हैं, उस दो प्रश्न के अंतर्गत चार प्रश्न होते हैं। जैसे कि कार्यालय पत्र से आप क्या समझते हैं, ये 2 से 3 नंबर का, और एक पत्र आएगा उसी में आपके 4 से 5 नंबर का। सोचने वाली बात है कि आपको यदि प्रारूप लेखन दिखने कहा जाए तब आप उसे पूरा छोड़ देते हैं, या तो दोनों में से कोई एक प्रश्न हल करते हैं, तो पूरे नंबर आपको मिलेंगे कहाँ से। प्रारूप लेखन और आवेदन प्रस्तुत करने में अंतर होता है, और यही चीज़ें मैं आपको बताऊंगी कि यदि आपको प्रश्न पत्र में प्रारूप लेखन कहा जाए तो कैसे लिखा जाएगा, उसका फॉर्मेट क्या होगा, किस तरफ पत्र क्रमांक होंगे, किस तरफ मंत्रालय का नाम होगा, विषय कहाँ होंगे, स्तर के अनुसार संबोधन कहाँ होंगे, इन सब की चर्चा मैं आपको वहाँ पर कोशिश करके सिखाने का प्रयास जो है वो करूँगी, ताकि आपके प्रश्न पत्र में किसी भी तरह से अंक जो हैं वो ना कटे। अनुवाद कार्य अगर हम कहें तो अनुवाद का मतलब है कि आधार भाषा को लक्ष्य मानकर दूसरी भाषा में उसको अनुवाद करना, जो ट्रांसलेशन वर्क कहलाता है। हम हिंदी मीडियम के बच्चों को यह दिक्कत होती है कि इंग्लिश के शब्दों का हमें प्रयोग उतने अच्छे से समझ में नहीं आता। इंग्लिश मीडियम का बच्चा जो है बहुत अच्छे से उसे अनुवाद करने की कोशिश कर लेता है, परंतु अनुवाद का मतलब ऐसा नहीं है कि हूबहू उसको वर्ड टू वर्ड जो है वो लिखा जाए। उसके भाव, उसके विचार के अनुसार शब्दों का चयन किया जाना जरूरी है। अपठित गद्यांश, हमको लगता है कि अपठित गद्यांश क्या है, एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा जिससे रिलेटेड हमको कुछ प्रश्न होंगे जो उसी के अंदर से हमको ढूंढकर लिखना है। हाँ, परंतु इसका एक दूसरा पक्ष भी है, कभी कभी उसका सारांश लिखने के लिए कह देता है, कभी कभी उसके अंदर व्याकरणिक चीज़ों को पूछ लेता है। व्याकरणिक चीज़ों को पूछने से होता क्या है कि जब वो व्याकरण के तत्वों को पूछता है तो सारे व्याकरण जो आपने प्री में पढ़े, जैसे कि तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची वगैरह, वो सब उसमें से ही निकाल के वो प्रश्न पूछता है। पत्रकारिता अपने आप में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो पत्र लेखन और पत्रकारिता तो अलग चीजें हैं ना, लेटर राइटिंग और जर्नलिज्म अलग है ना। पत्रकारिता जो समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं उससे संबंधित होता है, जो जन संचार के लिए जो जरूरी होता है, लेकिन पत्र लेखन तो वो होते हैं जो कार्यालय या विद्यालय या अपने व्यक्तिगत तौर पर लिखे जाते हैं, तो सारे शब्दों का एक उलट फेर होता है, सारे शब्द अपने आप जो है वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको मेंस के लिए भाषा बोध विशेष तौर पर तैयार करना होगा, संक्षिप्त लेखन, पत्र लेखन, पत्रकारिता, अनुवाद कार्य, ठीक है, साथ में अपठित गद्यांश और पत्रकारिता को लेकर आपको मेंस के लिए अपने आप को और थोड़ा सा तैयार करना पड़ेगा। बाकी व्याकरण खंड है जो आपके द्वारा प्री में किया गया था, वही व्याकरण खंड को और अच्छे तरीके से खुद के लिए आपको वहां पर तैयार करना होगा। ठीक है, रही बात यहां पर कुछ ऐसे तत्वों की जिसको हमें यहाँ पर से स्किप करना होगा, वो है आपका डेक्लिनेबल और इनडेक्लिनेबल वर्ड्स, मतलब कि विकारी और विकारी। लेकिन छोड़ देने का मतलब ये है नहीं कि हम पूरी तरह से उससे दूर रहें, हमें दूर नहीं रहना है, क्योंकि इन्हीं विकारी और अविकारी शब्दों पर ही तो हमारी संधि और समास जो है वो समाया हुआ है। वाक्य आप जो पढ़ेंगे, वाक्य विचार या वाक्य शुद्धिकरण, तो इन्हीं चीज़ों की गहरी जानकारी से ही तो आप वाक्य शुद्धि जैसा कार्य को कर सकते हैं। इसलिए मुख्य परीक्षा के लिए आप अभी के समय में जो बच्चे आगामी समय में परीक्षा देने वाले हैं, वह केवल विकारी और अविकारी को छोड़कर बाकी पूरा व्याकरण जो है वो पढ़ेंगे, जिस मुख्य तौर पर जो शब्द विचार है, वर्ण विचार है, वाक्य शुद्धिकरण है, वाक्यांशों का एक शब्द है, उपसर्ग प्रत्यय, मुहावरा लोकोक्ति, संधि और समास, और साथ में भाषा बोध के साथ में जो भी सिलेबस के टॉपिक मैंने आपको बताए हैं उनकी आपको यहाँ पर तैयारी जो है वो करनी है। सबसे पहले हम यहाँ शुरू करेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास के बारे में। ये बुक्स देख रहे हैं, ये मैंने नहीं लिखा,
ये किसी साहित्यकार की रचना है। साहित्य है क्या और साहित्यिक रचनाएं क्या है, इससे आने वाले प्रश्न कैसे होते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इससे यूं तो अब तक केवल 2 से 4 नंबर के ही प्रश्न पूछे गए हैं, परंतु है ये बहुत बड़ा सा हिस्सा। अब आने वाले समय में प्रश्न पत्र का स्तर अगर आपको ज़्यादा ऊंचाई तक लेकर जाता है तो इसके लिए आप ये कोशिश करें कि हिंदी साहित्य की इतिहास जो 12वीं के स्तर तक हम अपने स्कूल में पढ़ते हैं, क्योंकि स्कूल में इसे हमें बहुत अच्छे तरीके से समझाया जाता है, बहुत सरल सुंदर और सटीक उदाहरणों के द्वारा इसको प्रस्तुत कराया जाता है। चूँकि साहित्य है तो साहित्य के कुछ तत्व होते हैं ना, जैसे कि साहित्य के तत्वों में हम सबसे पहले सुनते हैं काव्य, और काव्य कहते ही हमारा दिमाग पोइट्रीज की ओर भागता है, और गद्य कहते हमारा दिमाग जो है वो लेखन के गद्य परंपराओं की ओर दौड़ता है, थीसिस पोर्शन की तरफ। जबकि काव्य का मतलब केवल पोइट्रीज और थीसिस नहीं है, काव्य तो एक ऐसा पक्ष है जो कवि के द्वारा रस युक्त होती है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र कहते हैं रसात्मकम वाक्यम इति काव्यम, अर्थात रस युक्त वाक्य ही काव्य होता है। जिस काव्य को पढ़कर अगर मेरे मन में किसी प्रकार के आनंद का अनुभव ही नहीं हुआ, मैंने कोई चीज देखी और मुझे मजा ही नहीं आया, तो किसी काम का नहीं है, है ना। इसलिए काव्य भाषा के सबसे महत्वपूर्ण तत्व होते हैं कि रस युक्त वाक्य ही काव्य होते हैं। आज के वीडियो में मैं सिर्फ आपको इंट्रो बताऊंगी कि ये चीज़ होती क्या है, ताकि हम साहित्य का खंड जो है वो बहुत अच्छे से पढ़ सके और समझ सके। क्योंकि जब मैं साहित्य खंड में रीतिकाल आधुनिक काल की चर्चा करूँगी, और वहाँ अगर मैंने आपको कहा कि इस समय इस अलंकार का, इस छंद का प्रयोग किया गया था, इस अलंकार और छंद से इसे इस काल के नाम से ज़्यादा कहा गया, तो आप कन्फ्यूज ना हो जाएं। इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर हम चीज़ों को लेकर चलेंगे, ठीक है। और मेंस के हिसाब से आपको आने वाले वीडियो में मैं आपके साहित्यिक रचनाओं के साथ में, विशेषताओं के साथ में, किस युग को किस नाम से, किस समय तक किस साहित्यकार ने रखा, वो सारी चीज़ें बताऊंगी जो आपको मेंस में पूछी जाती हैं। परंतु चूंकि आज ये इंट्रो वीडियो है, तो थोड़ा सा मैं आपको साहित्य के बारे में समझाना चाहूँगी कि आखिर साहित्य क्या है। सबसे पहले हम जानते हैं कि काव्य क्या है। किसी भी रस से युक्त रचना को काव्य कहा जाता है, रसात्मकम वाक्यम इति काव्यम। जब किसी काव्य को पढ़ने सुनने देखने के बाद पढ़ने वाला पाठक, सुनने वाला श्रोता और देखने वाला दर्शक जिस आनंद का अनुभव करता है, तो वो अनुभव कराने वाला कारक जो है वो होता है हमारे लिए काव्य। काव्य के 2 प्रकार होते हैं, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। जिसके आनंद का अनुभव व्यक्ति देखकर करता है वो दृश्य काव्य कहलाता है। नाटक, प्रहसन, एकांकी, रंगमंच, फिल्म जगत का चलचित्र, ये रंगमंच में प्रस्तुत होने वाली कलाकृति होती है जिसके आनंद का अनुभव व्यक्ति देखकर करता है। जब किसी काव्य के आनंद का प्रयोग व्यक्ति सुनकर करता है, तो वो कहलाते हैं श्रव्य काव्य, ठीक है। जैसे रेडियो रूपक है हमारा, आज भी MyFM है, विविध भारती है, ये ऐसे हैं जिसके आनंद का अनुभव जो है श्रोता सुनकर करता है, इसलिए वो श्रव्य काव्य कहलाते हैं। श्रव्य के भेद होते हैं प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य जो छंद से बंधा हो, जो नियमों से बंधा हुआ हो, प्रबंध काव्य कहलाता है, और जो छंदबद्ध नियमों से मुक्त हो, जो मुक्तक काव्य कहलाते हैं। मीरा के पद, सूर के पद, रहीम के दोहे, कबीर के दोहे, ये सब मुक्तक काव्य होते हैं जिसमें किसी प्रकार का बंधन नहीं होता। एक कविता पढ़ी खत्म, दूसरी कविता पढ़ी खत्म, तीसरी कविता पढ़ी खत्म, पहला दोहा खत्म, 2 पंक्तियों का दोहा है, कविता है, खत्म। लेकिन जो प्रबंध काव्य होंगे, इसके 2 भाग हो जाते हैं, एक होता है महाकाव्य और एक होता है खंड काव्य। किसी चरित्र प्रधान व्यक्ति के संपूर्ण जीवन का जहाँ वर्णन होता है, जो छंदबद्ध रचना से मोती की लड़ियों के समान बंधी होती है, उसे महाकाव्य कहते हैं। इसका नायक धीर, वीर, पराक्रमी, आदर्श वाला होता है, जिसके चरित्र का प्रभाव आम साधारण जनता पर पड़ती है।
तो इसे कहा जाता है महाकाव्य। जहाँ 8 से 9 सर्ग होते हैं, सर्ग का मतलब होता है टुकड़े, है ना, कविताओं में होता है सर्ग, पाठ में होते हैं परिच्छेद और गद्य में होते हैं अनुच्छेद, और ये हमारे लिए सम्मोच्छाद शब्द के साथ युग्म शब्दों में आने वाले तत्व हैं कि सर्ग में अगर हम बात करें और परिच्छेद और अनुच्छेद में क्या अंतर है। तो सर्ग होता है कविताओं में, गद्य खंड में होते हैं अनुच्छेद जिसे आप पैराग्राफ कहते हैं, और लेसन के जो टुकड़े होते हैं जैसे लेसन 1.1, 1.2, ये परिच्छेद कहलाते हैं। तो कविताओं में कम से कम 8 से 9 सर्ग होते हैं। रामायण एक महाकाव्य है क्योंकि रामायण में रामचंद्र जी के जन्म से रामचंद्र जी के निर्वाण तक का जो प्रभाव है वो उसमें बताया गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम है, आदर्श पुत्र है, आदर्श राजा है, आदर्श पति है, इन सब से जीवन में बहुत विशेषकारी प्रभाव देखने को मिलता है। तो महाकाव्य छंदबद्ध रस अलंकारों से परिपूर्ण रचना होती है। इसी महाकाव्य के किसी एक खंड को किसी एक ही छंद में बांधकर प्रस्तुत कर दिया जाए तब वह हमारे लिए खंड काव्य कहलाता है। जैसे कि रामायण में जो कांड है, अयोध्या कांड, बाल कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, यदि हम कहते हैं लंका कांड, ठीक है, ये सारे जो कांड, इनमें से अगर हम एक घटना का वर्णन करते हैं, जैसे कि हम सुंदर कांड का पाठ कराते हैं, तो ये हमारे लिए खंड काव्य हो जाता है क्योंकि ये एक टुकड़े में जो है वो बट जाता है, ठीक है। इसी तरह खंड काव्य जो है वो एक ही प्रकार के छंदों से बंधी हुई एक घटनाक्रम का उल्लेख होता है, जबकि महाकाव्य संपूर्ण गाथाओं का प्रयोग होता है। जो छंदबद्ध रचनाओं से मुक्त है उसे मुक्तक काव्य कहते हैं, पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक। पाठ्य मुक्तक जिसका आनंद हम पढ़ कर लेते हैं, रहीम के दोहे, खुसरो की पहेलियां, कबीरदास के दोहे, ये हम पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम जैसे गा सकते, जैसे मीरा के पद, सुर के पद, इसे हम गेय मुक्तक कहते हैं। कुछ ऐसी रचना होती है जो गद्य और पद्य के बीच की रचना होती है, जैसे चंपू काव्य या गद्य काव्य कहा जाता है। इसी तरह कुछ ऐसा प्रयोग होता है जैसे आख्यानक गीत या प्रगीत कहते हैं, तो प्रगीत को भी गाया जा सकता है। जो गायन शैली में लघु कथाएं होती हैं, जैसे बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, लघु कथाओं के तौर पर होता है। और इसी में हम बात कर रहे हैं अगला, जो आपका गद्य काव्य कहलाता है। तो गद्य और पद्य के बीच की शैली होती है जहाँ छोटी छोटी लघु कथाओं को स्थान जो है वो दिया जाता है। इसी काव्य की रचना करने वाला जहाँ कविताओं का संकलन करता है वो है कवि, और जो अपने विचारों को लिखकर प्रस्तुत करता है वो है लेखक। कवि के द्वारा जो रचना लिखी गई है उसके अनुसार महाकाव्य, खंड काव्य, गीत, प्रगीत जैसे प्रयोग हैं, लेकिन जिन लेखकों ने लिखा उन्होंने गद्य की अलग अलग प्रकार की विधाओं को जन्म दिया। नाटक, कहानी, एकांकी, उपन्यास, रेखाचित्र, जीवनी, संस्मरण, भेंटवार्ता, डायरी संकलन, इसी प्रकार यात्रा वृत्तांत कह सकते हैं, ये सब हमारे लिए गद्य की विधाएं कहलाती है। इसका जन्म जो है वो 19वीं शताब्दी में भारतेंदु हरिश्चंद्र के जी से शुरू हुई थी। और इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कविता को लिखने वाला कवि की भाव पक्ष और कला पक्ष होते हैं, और गद्य को लिखने वाले लेखकों की भाषा शैली और भाव पक्ष होता है। शैली है वे ऑफ राइटिंग, कि हम अपने विचारों को किस शैली में प्रस्तुत करना चाहते हैं। क्या वो विवरण है तो विवरणात्मक शैली, क्या वो व्याख्या है तो व्याख्यात्मक शैली, क्या वो व्यंग है तो व्यंगात्मक शैली, विचार प्रस्तुत किया आपने तो विचारात्मक शैली, ठीक है। इसी तरह जब हम उसके भाव को प्रस्तुत करते हैं तो वो पक्ष जिसके माध्यम से हम अपनी भावनाओं को प्रस्तुत कर रहे हैं वो भाव पक्ष कहलाता है। एक कवि जिस भावना से अपनी कविता की रचना करता है तो वह कवि का भाव पक्ष हुआ, कि उस कविता के माध्यम से वह कवि हमें समझाना क्या चाहता है। लेकिन अगर वो उस कविता को समझाने के लिए जिस अलंकरण तत्वों का इस्तेमाल करता है, जैसे कि रस, अलंकार और छंद, तो ऐसे तत्व उसके लिए कला पक्ष बनते हैं, कि उसकी कलाकृति को समझाने वाला भाव पक्ष को और उजागर करने के लिए वह कला पक्ष का इस्तेमाल में रस, अलंकार, छंदों का प्रयोग करता है।
ये सभी चीज़ बताने का मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि जब हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे और जब हम आदिकाल, वीरकथाकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल पढ़ने जब जाएंगे, तब यहाँ पर जब मैं आपको उनकी विशेषता बताऊं कि वीरगाथा काल में वीर रस की प्रधानता थी, ओजस्वी गुण प्रभाव वाले शब्दों का प्रयोग किया गया था, कवि के कला पक्ष में अधिकांश तत्वों में शब्द अलंकार की प्रचुरता थी, तो आप वहाँ पर कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं इसे समझाने की थोड़ी सी एक कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, तो जब वह किसी काव्य को लिखता है, किसी कविता को लिखता है, तो उस कविता को पढ़ने, सुनने, देखने के बाद या कविता या काव्य के अंतर्गत जो श्रव्य और दृश्य काव्य है उसके आनंद का अनुभव व्यक्ति जब करता है तब उसे रस कहा जाता है, क्योंकि रस युक्त वाक्य ही काव्य होते हैं। रस के चार अंग हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव। संचारी भाव पानी के बुलबुले की तरह मन में बनते और फूटते रहते हैं, जिसकी संख्या 33 है। लेकिन स्थायी भाव वे भाव होते हैं जो मनुष्य के हृदय में स्थायी रूप से सुप्त अवस्था में विद्यमान होते हैं। निश्चित माहौल पाकर जब वह स्थायी भाव जागृत होता है तो जिस स्थायी भाव की जागृति मन में होती है उस स्थायी भाव से संबंधित रस का निष्कासन जो है वो सहृदय के हृदय में होने लगता है। पहले 9 रस थे, फिर यह देखा गया कि ममता, माया, मोह, श्रृंगार के पक्ष से बिल्कुल विपरीत है, इसलिए वात्सल्य रस का निर्माण किया गया या वात्सल्य रस माना गया 10वां। लेकिन चूंकि कुछ लोगों ने भक्तिपूर्ण रचनाओं के प्रभाव से एक और रस को ईजाद किया और उसे भक्ति रस कहा गया, और वर्तमान समय में हम 11 प्रकार के रस के बारे में पढ़ते हैं। श्रृंगार रस, हास्य, वीर, रौद्र, करुण, अद्भुत, विभत्स, भयानक, वात्सल्य, भक्ति रस, और इसी तरह हम रस के बारे में पढ़ते हैं। इस रस को उत्पन्न कराने का जो कारण होता है वो है विभाव। विभाव दो हैं, आलंबन और उद्दीपन। जिसके मन में भाव जागा वो है आलंबन, जिसके कारण भाव जागा, जिस उद्दीप्त करने वाले माहौल के कारण जागा वो है उद्दीपन। आलंबन जिसके मन में भाव जागृत हुआ, आश्रय जिसको देखकर भाव जागृत हुआ वो कहलाता है विषय। जब वो किसी चीज का अनुभव करने लगता है, शारीरिक क्रियाकलाप के अनुसार जब वो उसका बखान करने लगता है या हाव भाव से अपने अनुभव को एक्सप्रेस करता है, अपने फीलिंग्स को शेयर करता है, तो वह उसका एक्सप्लेनेशन जो है वो एक्सप्रेस वे जो है आपको उसका वो कहलाने लगता है अनुभाव। तो संचारी भाव जो पानी के बुलबुले की तरह बनते फूटते रहते हैं, किसी निश्चित माहौल के द्वारा आश्रय के मन में विषय को देखकर उद्दीपन से जो वो अनुभव करता है, जिससे जिस स्थायी रस की जागृति सहृदय के हृदय में होता है, वहाँ पर रस का निष्कासन जो है वो होता है। ये हम पढ़ते हैं रस की परिभाषा, रस के प्रकार, रस के अंग, इन सब के बारे में व्यापम में। लेकिन चूंकि हिंदी साहित्य में इनका उल्लेख किया जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में मैं आपको इसको समझा रही हूँ। बहुत डिटेल में इसे जानने की हम बेतुकी से ज़रूरत महसूस नहीं करेंगे। अगला, इस अलंकार के द्वारा इस रस को जगाने का प्रयास किया जाता है। तो अलंकार क्या है? किसी काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाला तत्व कहलाता है अलंकार। अलंकार वो होता है जो किसी काव्य के सौंदर्य की वृद्धि करता है, जो 3 आधार पर करता है, या तो शब्द के द्वारा, या तो अर्थ के द्वारा, या शब्दगत और अर्थगत दोनों। तो किसी भी काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाला तत्व कहलाता है अलंकार। अलंकार मतलब आभूषण या गहना या सजावट की कोई वस्तु। तो जब किसी काव्य के सौंदर्य की वृद्धि शब्द के माध्यम से हो तो शब्द अलंकार, अर्थ के माध्यम से हो तो अर्थालंकार होता है। शब्दगत अर्थगत दोनों माध्यम से अगर काव्य का सौंदर्य बढ़े तब वहाँ पर उभयालंकार होता है। अनुप्रास, यमक, श्लेष, पुनरुक्ति, वक्रोक्ति, यह है शब्द अलंकार। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान, व्यतिरेक,
अन्योक्ति, अतिशयोक्ति, इसी तरह मानवीकरण, दृष्टांत, ये सारे अलंकार हैं। जहाँ रूपक उत्प्रेक्ष जैसे अलंकार हैं, ये सारे अलंकार हैं आपके अर्थालंकार। इसके अलावा समासोक्ति है, अत्युक्ति है, सहोक्ति है, स्वभावोक्ति है, तद्गुण है, एतद्गुण है, ठीक है, ऐसे तमाम अलंकार हैं जिसके माध्यम से कविता के सौंदर्य में वृद्धि होती है। संकर या संश्लिष्ट अलंकार कहें तो वो उभय अलंकार हो जाते हैं। इनका एक नियम होता है, किसी भी कविता को लिखने का, महाकाव्य को विशेष तौर पर लिखने का एक नियम होता है, मात्राओं और वर्णों की गणना के अनुसार किसी काव्य की पंक्तियों की रचना होती है। और ये वर्ण, मात्रा, यति, गति, विराम के नियम से बंधे हुए संरचना छंद कहलाती है। ये छंद जिसके अंग होते हैं वर्ण, मात्रा, यति या विराम, गति या लय, प्रवाह, संख्या मात्रा का गण जिसका सूत्र कहलाता है यमाता राजभान सलगा, जो तीन वर्णों का एक गण समूह होता है जिससे छंदों की गणना की जाती है, लघु वर्ण और दीर्घ वर्ण, दीर्घ को गुरु वर्ण भी कहा जाता है। यदि किसी कविता की मात्रा के गिनती के अनुसार अगर उसको गणना की गई कि जैसे पहले और तीसरे चरण में, पद या चरण में 13 मात्राएं, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्राओं के विराम पर 24 मात्राएं होती हैं, तो 13 और 11 के विराम से 24 मात्राएं हमारे लिए दोहा में होती है अगर यह कहता है, तो हमारे लिए यह मात्रिक छंद बनता है, ठीक है। इसी तरह जब उसमें प्रयोग किए जाने वाले वर्णाक्षर अल्फाबेटिकल्स काउंट किया जाए तब वो वार्णिक छंद बन जाता है। और मात्रिक छंद और वार्णिक छंद का सबसे ज़्यादा प्रयोग महाकाव्यों में कवियों के द्वारा जो है वो किया गया है, साथ में खंड काव्य में भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें मुक्तक छंद की, क्योंकि छंद तीन होते हैं, वार्णिक छंद, मात्रिक छंद और मुक्तक छंद, जहाँ वर्ण मात्राओं का बंधन से मुक्त है वहाँ होता है हमारे लिए मुक्तक छंद। आधुनिक कालीन जितनी भी कविताएं होती हैं सब मुक्तक छंद में लिखी जाती है, क्योंकि वर्ण, मात्रा, यति, गति, विराम, तुक, अब तुक क्या होता है, तुक का मतलब होता है कविता के चतुर्थ और द्वितीय चरण के अंत के शब्दों का मिलना। समझ में आ रही बातें कि जब हम शायरी पढ़ते हैं, गज़ल सुनते हैं या हम किसी कविता को पढ़ते हैं तो लास्ट साउंडिंग लेटर, क्योंकि दो लाइन होती है ना, दो लाइन में चार चरण होते हैं कि फर्स्ट और थर्ड और सेकंड और फोर्थ, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इनके बीच में एक अल्प विराम होता है, लेकिन जब दूसरी पंक्ति का जो अंतिम शब्द है और पहली पंक्ति का जो अंतिम शब्द होता है उसमें दूसरे मेल होता है, जैसे कि मेल होता है एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। तो ये जो लास्ट साउंडिंग वर्ड है होता है ये तुकांत कहलाता है। आजकल की कविताओं में यह तुकांत देखने को नहीं मिलता, ठीक है। तो आधुनिक कालीन जो कविताएं हैं वो छंदबद्ध नियमों से पूरी तरह से अलग हैं। और इसी तरह देखा जाए तो रस अलंकार छंदों के प्रयोग से हमारे भारतवर्ष के अंदर बहुत खूबसूरत साहित्यिक प्रयोग जो हैं वो किए गए हैं। शब्दों में गुण होते हैं, जब किसी कविता में ओजस्वी पूर्ण शब्दों का प्रयोग किया जाए जिससे सुनकर मन में ओज, उमंग, उत्साह की उत्पत्ति हो तो वो ओज गुण प्रधान रचना कहलाती है, ठीक है। जितने देशभक्ति या वीरता से संबंधित रचनाएं सुनते सब ओजस्वी प्रभाव वाले होते। किसी कविता को पढ़कर मन एकदम से मधुरता और प्रेम के संचार में डूब जाता है तो माधुर्य गुण होता है, ठीक है। लेकिन अगर किसी कविता को पढ़ने के बाद मन संतुष्ट हो जाता है तब वहां पर प्रसाद गुण होता है, ठीक है। इसी तरह शब्दों में इतनी शक्ति होती है कि शब्द के प्रयोग से जब हम वाक्य का निर्माण करते हैं तो कभी कभी हम जो कहना चाहते हैं वह वाक्य के द्वारा पूर्ण हो जाता है, इसलिए वहाँ पर जो जैसा है वैसा अपने अर्थ को प्रस्तुत कर रहा है तब वह हमारे लिए अभिधा प्रधान शब्द शक्ति कहलाती है। लेकिन किसी बात को इनडायरेक्टली कहा जाए लक्ष्य मानकर तो लक्षणार्थ कहलाती है, मतलब लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती है।
सुनने वाला श्रोता चाहे जिस भी अर्थ को प्रस्तुत करे, तब वहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति हो जाती है। उदाहरण से मैं समझाने की कोशिश करूँ। यदि वह कहते हैं, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, ये ओज गुण प्रधान रचना है। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, मेरे प्रियतम का पथ अवलोकित कर, के सिलसिला ये चाहत का न मैंने बुझने दिया, ओ पिया ओ पिया ओ पिया। ठीक है, ये माधुर्य गुण है। लेकिन अगर कहता है, माँ खादी की चादर दे दे मैं गांधी बन जाऊँ, सब सखियों के साथ सब सज्जनों के साथ बैठकर रघुपति राघव गाऊँ, ये माधुर्य गुण नहीं बल्कि यह हुआ हमारे लिए प्रसाद गुण। लेकिन कहता है कि मेरा घर गंगा के किनारे बसा है, मैं एक स्त्री हूँ, यह रायपुर शहर है, मैं हिंदी भाषा पढ़ रहा हूँ, तो यह सब हमारे लिए अभिधा प्रधान शब्द शक्ति होगी। तुम तो शेर हो, अरे तुम तो मेरे भीम हो, अगर कहता है तो न तो वो शेर है न भीम है। इनडायरेक्टली वो कह रहा है कि भीम सी ताकत शेर सी क्षमता है उसमें। और अगर एग्जाम्पल कहता है शाम हो गई, तो शाम हो गई का हर व्यक्ति के लिए अलग अर्थ है ना, एक माता के लिए रसोई घर में जाने का, एक अभिभावक में पिता का अपने कार्यालय से घर आने का, एक बच्चे का अपना दिया हुआ गृह कार्य पूरा करने का, जो चाहे जैसा अर्थ लगा सकता है। इन सभी के प्रयोग से साहित्यकारों के द्वारा प्रयोग जो है वो रचनाओं में देखने को मिलते हैं। जैसे जैसे मूल्य और आवश्यकताएं बदलती गई ना, वैसे वैसे हमारे साहित्य में भी विशेष प्रकार के प्रभाव देखने को मिले। हमारी साहित्यिक रचनाओं की सबसे बड़ी खूबी ये रही है कि साहित्य का विशेष तौर पर प्रयोग हमारे समाज में आदिम समय से किया जा रहा था, जहाँ राजाओं का शासन था। उस समय राजाओं से संबंधित रचनाएं हुआ करती थी, रासोकाव्य परंपरा थी, तो उसके कुछ के तो लिखित प्रमाण मौजूद हैं, कुछ के लिखित प्रमाण मौजूद नहीं हैं। कुछ लेखन शैली में थी, कुछ गायन शैली में थी, और गाथाकारों के द्वारा समाज में परंपरागत तरीके से जो है वो प्रदान की जाती रही थी। लेकिन जैसे ही भारतवर्ष में लेखन का दौर शुरू हुआ, आधुनिक काल में जब समाचार पत्रिकाओं की शुरुआत हुई, तब समस्त साहित्यकार की रचनाओं को एक मंच मिला समाचार पत्रिकाओं के माध्यम से, और साहित्यिक रचनाएं जो है वो घर पहुंच सेवा की तरह हर किसी के सामने जाकर मौजूद हुई। इसलिए विशेष तौर पर इसका जो कालक्रम है या इसका जो प्रभाव है, वो विशेष तौर पर माना जाता है कि आधुनिक काल में यह जो जितनी निखर के सामने आई हिंदी साहित्य का इतिहास, उतना इसका जो खूबसूरती था वो अन्य कालों में केवल पद्यात्मक थी। मध्य काल तक तो केवल पोएट्रीज थी, खंडकाव्य महाकाव्य ही थे, इवन जितने भी कवि थे सभी ने पद्यात्मक रचनाओं की ओर ही ध्यान दिया था। रीति से बंधा हुआ, भक्ति से बंधा हुआ, राजसी वैभव से पुलासिता से परिपूर्ण रचनाओं को ही उन्होंने रचना करी थी। लेकिन जैसे ही स्वाधीनता संग्राम का समय आया और मन मस्तिष्क मुखरित, और आधुनिकता ने जो इसमें बदलाव लाया, उसके वजह से आधुनिक काल में इसने एक विकास गति की ओर आगे बढ़ते हुए एक उत्कृष्ट स्थान जो है वो प्राप्त किया। और इन्हीं सब के बारे में मैं आपको बतलाऊंगी कि हिंदी साहित्य का इतिहास क्या है, इसका लेखन कहाँ से शुरू हुआ, क्योंकि हम तो हमेशा से वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल पढ़ते हैं। तो क्या कभी किसी साहित्यकारों ने इस पर और लेखनी चलाई थी? कितने युग थे, किसने कैसे बांटा, कितने कवि हुए, पहले कवि कौन थे, उन्होंने इसमें किस रचना को दिखा, क्योंकि हमारे भारतवर्ष का सबसे प्राचीन साहित्य संस्कृत को माना जाता है। हमारे भारतवर्ष में संस्कृत साहित्य रहा है, जहाँ वेद और उपनिषदों को लिखा गया है, ब्राह्मण ग्रंथों को लिखा गया है, पुराणों को लिखा गया है, काव्यों को लिखा गया है। परंतु हिंदी साहित्य का इतिहास यदि हम बात करें, तो वास्तव में हिंदी साहित्य के इतिहास को जानने के लिए इसके अतीत में जाना आवश्यक होगा। इसी मनोरंजन के साथ में हम आगे पढ़ते चलेंगे, और मुख्य परीक्षा में पूछे जाने वाला एक खतरनाक, कि आपको ये लगता है कि ये सिलेबस में हमको कहाँ से मिलेगा, तो मैं आपको बता दूं कि अभी तक
मेरी जानकारी में ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ विद्यालय स्तर पर प्राप्त होंगी, जहाँ 11th और 12th में जो बच्चा स्पेशल हिंदी लेकर पढ़ता है केवल ये वहाँ तक ही सीमित है। परंतु सिर्फ वहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा जो विभाजन किया गया है आदिकाल या वीरगाथा काल, भक्तिकाल, रीतिकाल, राधुनिकाल, उसका ही उल्लेख मिलेगा, उस समय के कवि, उस समय की रचनाएं, उस समय की विशेषताएं। परंतु चूंकि पीएससी जो है उनसे हटकर प्रश्न पूछता है, उसमें भी जाता है कि भक्तिकालीन दो कवि के नाम बताइए या भक्तिकाल की दो धाराओं के नाम बताइए, क्योंकि ये जनरल क्वेश्चन होते हैं। परंतु मुख्य परीक्षा में विशेष तौर पर आपको पूछा जाता है कि आदिकालीन कवियों के नाम तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर पूछा जाता है कि मिश्र बंधु के द्वारा रीतिकाल का समय कब रखा गया, या कह सकता है कि श्रृंगार काल की संज्ञा रीतिकाल को किस कवि ने दिया या किस साहित्यकार ने दिया, मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, ये ऐतिहासिक ग्रंथ किसके द्वारा लिखी गई है। तो इन सब की चर्चा हम मेन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाएंगे। हाँ, थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि आपको लगेगा कि हमारे पास समय नहीं है, इसलिए थोड़ा शॉर्ट में समझाने की कोशिश किया जाए। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, जो बच्चा शॉर्ट टर्म चीज़ें यूज़ करता है वो कभी भी सफल नहीं होता। यदि मैं पढ़ना चाहूँ इतना और परीक्षा में पूछ लिया जाए इतना, तो मेरे लिए बहुत परेशानी का सबब हो जाएगा। लेकिन मैंने इतनी तैयारी करी और पूछा मेरे लिए इतना ही, तो मेरे लिए बहुत ही आसान होगा। इसलिए चीज़ों को उबाऊ कभी ना समझें। न जाने सारे बच्चों की मेंटालिटी ये क्यों हो जाती है कि लैंग्वेज है, लैंग्वेज में क्या रखा है। पर मैं आपको बता दूं कि मैं एक लैंग्वेज की टीचर हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने भाषा या अपने विषय की प्राथमिकता बता रही हूं। लेकिन सबसे ज़्यादा जिस तरह मैथ्स में 2+2=4 होता है तो कहीं से आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, वैसे ही यदि आपको गगन का पर्यायवाची पूछा और आपने नभ और आसमान लिख दिया तो कहीं भी आपके अंक जो है काटे नहीं जाएंगे, बशर्ते मात्रात्मक त्रुटि या बेफिजूल के ऐसे शब्द जिसको कभी भी प्रयोग में लाना अच्छा नहीं है वह कर दिया गया, लिखने का तरीका सही नहीं रहा, तभी आपके नंबर जो है वो काटे जाएंगे, अन्यथा आपको पूर्ण अंक जो है यहाँ पर दिया जाएगा। और इसी तरह देखा जाए तो हिंदी भाषा के अंतर्गत हम जो भी हिंदी साहित्य के इतिहास पढ़ेंगे, इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके हम हिंदी साहित्य के सिलेबस को पूरा कंप्लीट करेंगे। थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि मेंस के जो सिलेबस है सुनने में तो छोटे लगते हैं, जैसे कि संक्षेपण ही कि क्या है, पर उसको भी पूरे अंदरूनी तरीके से समझाने की मैं कोशिश करूँगी। शायद मैं समझा पाऊँ, शायद मैं आपकी मदद कर पाऊँ कि मुख्य परीक्षा के लिए आपको तैयारी करनी कैसी है। मार्केट में अभी अगर आप पत्रकारिता से संबंधित या आप पत्र लेखन से संबंधित कोई बुक ढूंढने जाएंगे तो अधिकांश जो पुस्तकें हैं उन पुस्तकों में व्याकरण खंड को तो बहुत अच्छे से बताया जाता है, परंतु पत्र लेखन, संक्षेपण जैसी चीज़ों को बहुत ही छोटे तरीके से बताया जाता है। मैं यहाँ उसे विस्तृत तरीके से बताने की कोशिश करूँगी ताकि परीक्षा में आपको अच्छे अंक जो हैं वो प्राप्त हो सके, बशर्ते बिना किसी उबाऊपन के मनोरंजन के साथ यदि आप मेरा साथ देते हैं पढ़ते हुए तो मैं ज़रूर आपकी मदद करना चाहूँगी। और मेरा यह कर्तव्य है कि मैं आपको मुख्य परीक्षा के लिए हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा का बहुत अच्छे से चीज़ों की तैयारी जो है करा सकूँ। दूसरी बात कि जैसे ही हमारा एक टॉपिक फिनिश होगा, जैसे कि हिंदी लिटरेचर की हिस्ट्री मैंने कम्प्लीट करी, मेंस में पूछे जाने वाले प्रश्न या मैंने जो आपको तैयारी करवानी है उसके हिसाब से मैं कुछ प्रश्न जो हैं आपको पूछूँगी, उसके जवाब दूंगी, उसको लिखने का तरीका बताऊंगी। क्योंकि यहाँ पर यह 2 नंबर से 4 नंबर का प्रश्न तो है ज़रूर, परंतु है बहुत ही घुमा देने वाला। एक ही साहित्यिक पुस्तक के साहित्यकार ने उसके नाम थोड़े से अलग कर दिए, जैसे कि हिंदी साहित्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी लिखा तो वहाँ पर डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने भी हिंदी साहित्य लिखा, परंतु प्रकाशन काल जो है वो दोनों के अलग रहे हैं। इन्हीं सारी चीज़ों को बारीकी से समझाने का मैं कोशिश करूँगी, बस आप मेरे साथ यूं ही बने रहें। आज का वीडियो सिर्फ इंट्रोडक्शन था कि आपको मेंस की तैयारी में साहित्य खंड से लेकर सारे सिलेबस में कंप्लीट कराऊंगी। तो आने वाले वीडियो में हम सबसे पहला हिंदी साहित्य का इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। तब तक
हमारे द्वारा जितने भी अन्य विषयों की जो तैयारी करवाई जा रही है उन विषयों को पढ़ते रहिए और हिंदी भाषा के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। तो बिना समय को गवाए, चूंकि समय को गवाना यानी कि अपने अमूल्य धरोहर में से किसी एक चीज़ की कमी को प्राप्त करना होता है। माना कि जो परिस्थितियां चल रही है अब तक, तो हमेशा जून के अंतिम सप्ताह में आपकी मुख्य परीक्षा जो है वो हो चुकी होती है, परंतु कुछ ऐसी वैश्विक जो कारण है उसकी वजह से आपकी परीक्षा जो है भी स्थगित है। इसलिए कहते हैं कि थोड़ा सा हमें ऐसा समय मिल गया है जहां कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाकर हम अपनी परीक्षा के लिए अपने आप को और ज़्यादा मजबूत जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, मेरे द्वारा आपको मुख्य प्रश्न पत्र में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण, जो जिसमें आपको थोड़ी सी परेशानी होती है, क्योंकि यहाँ जो सिलेबस में जो बदलाव किया है उसमें उसने एमपीपीएससी को फॉलो किया है। एमपीपीएससी में एक छोटा सा टॉपिक है भाव पल्लवन, वो यहाँ पर पूछा नहीं गया है। बाकी देखा जाए तो 90% से भी ज़्यादा पूरी तरह से यह मुख्य प्रश्न पत्र जो सीजीपीएससी मेंस का है वो एमपीपीएससी को फॉलो करता है। कुछ बच्चे बहुत परेशान होते हैं जब पत्रकारिता, पत्र लेखन, क्योंकि दो अलग चीज़ें हैं ना, कि पत्र लेखन लेटर राइटिंग है जो आपका निजी पत्र, व्यवसायिक पत्र, कार्यालय पत्र, शासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र, यानी कि आपका पर्सनल लेटर, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर होते वो अलग है, लेकिन जर्नलिज्म यानी कि पत्रकारिता अलग होता है, जो पत्र संचार, जो जन संचार से संबंधित होते हैं। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। अगर प्रश्न पूछा जाए कि पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं, तो बच्चे उसका उत्तर जो है वो पत्र लेखन को देते हैं, कि जब एक व्यक्ति अपने मन की भावनाओं को दूसरों को संबोध प्रस्तुत करता है तो वो पत्र लेखन कहलाता है। ना, वो पत्र लेखन है, पत्रकारिता अलग होती है। ठीक है, इस तरह संक्षेपण में परेशान होते हैं, इसी तरह अतपठित गद्यांश में परेशान होते हैं, अनुवाद कार्य में परेशान होते हैं, और छानने लगते हैं बुक डिपो में जाकर तरह तरह की पुस्तकें। यूं तो संसार में बहुत सारी पुस्तकें हैं, हर पुस्तक में हर चीज़ की प्राप्ति हो पाना संभव नहीं है। किसी में संक्षेपण अच्छा दिया है तो किसी में पत्र लेखन बहुत छोटा दिया है, किसी में बहुत सारे व्याकरणिक तत्व दिए हैं लेकिन मेंस में पूछे जाने वाले हिंदी लिटरेचर की हिस्ट्री, जिसे हिंदी साहित्य के इतिहास कहते हैं, वो बहुत ही कम दिया हुआ है। तो फिर ऐसे में बच्चे परेशान हो जाते हैं, वो एमपीपीएससी की बुक तलाशने लगते हैं जो छत्तीसगढ़ के अंदर बहुत मुश्किल से मिलता है, फिर वो ऑर्डर देकर मंगाते हैं पर उससे भी वो संतुष्ट नहीं होते। मेरा एक प्रयास रहेगा कि सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा देने वाले बच्चों को हिंदी में होने वाली कुछ परेशानियां जो मुख्य परीक्षा के लिए विशेष हैं, क्योंकि व्याकरण तो वो फिर भी कर लेते हैं, उन चीज़ों को मैं इतने अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूं कि आप जो है जिस परेशानी का सामना करना चाहते थे अब वो परेशानी आपके सामने ना आए, बशर्ते मेरी भी एक शर्त है। और वो शर्त क्या है कि आप बिना किसी उबाऊपन के बहुत ही अच्छे तरीके से उसे सुनेंगे, समझेंगे, आवश्यकता होगी तो आप इसे सुनकर खुद का एक नोट्स तैयार करेंगे, क्योंकि हर चीज़ हमारे द्वारा बोर्ड पर लिख पाना संभव नहीं होता। दूसरी बात, हर चीज़ आपको हम जो समझाने की कोशिश करेंगे वह ऐसा नहीं हो पाता कि हम उस चीज़ को आपको बार बार चीज़ें जो है प्रोवाइड कर सकें। इसलिए कोशिश करेंगे कि हम जो वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं आप इसे सुने, इसे अपने तरीके से समझें और खुद का एक नोट्स जो है वो प्रिपेयर करें, क्योंकि खुद के बनाए हुए नोट्स में एक तो प्रैक्टिस होगी आपकी और दूसरी बात कि आप उसे बहुत अच्छे से समझकर लिखेंगे, यानी आपकी लेखन शैली में भी एक विशेष प्रकार का प्रभाव उत्पन्न होगा। ठीक है, ज़्यादा आपको समझाने की आवश्यकता नहीं लगती मुझे और कोशिश करूँगी कि मैं इसकी शुरुआत बहुत अच्छे तरीके से कर सकूँ, और यही उम्मीद रखूँ कि मेरे जो वीडियो हैं उसको आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी भाषा को मजबूत बनाने के लिए समझें। तो चलिए हम शुरू करते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। सबसे पहली बात हम यहाँ देखेंगे हिंदी के बारे में। ठीक है, जैसे कि हिंदी यह क्या है, एक भाषा है, इसकी पहचान क्या है, एक राजभाषा है, इसको किसका गौरव प्राप्त है, राष्ट्रभाषा का
ये सारी चीज़ें मैंने आपको भाषा से संबंधित जो सबसे पहला टॉपिक है भाषा बोध में आपको समझाया है। थोड़ा सा रिपीट कर ले कि हिंदी भाषा हमें ईरान प्रांत के द्वारा दिया गया है, यह एक फारसी शब्द है। कहते हैं कि सिंध नदी के संबंधित इसके नामकरण को माना जाता है। जब हम ईरान प्रांत के संपर्क में आए तो ईरान प्रांत का व्यक्ति जो स का उच्चारण ह किया करता है, इस सिंध से उसने उसे हिंद कहा। इसमें सिंध से हिंद कहा, यहाँ रहने वाले को हिंद स्थानी कहा, जो कालांतर में परिवर्तित होकर हिंदुस्तानी बना और यहाँ पर ई प्रत्यय लगाकर हिंद से हिंदी हो गया और यह भाषा हिंदी भाषा के नाम से पहचान प्राप्त करने लगी। कुछ लोगों का कहना है कि यह एक ऐसा खूबसूरत क्षेत्र विशेष है जहाँ 12 महीने 6 ऋतुएं, पक्षियों का कलरव, भ्रंवरों का गुंजार, ऊपर से झरता हुआ झरना, बसंत का खूबसूरत मौसम और पावस ऋतु में काली घटाओं के सौंदर्य से यह एक ऐसा स्थान है जो अपनी कला और संस्कृति और खूबसूरती से पहचान बनाता है और इस स्थान को हिंद कहा जाता है। इसलिए हिंद स्थानी से हिंदुस्तानी और हमें हिंदी भाषी कहा गया और हमारी भाषा को नाम दिया गया हिंदी। कुछ लोगों का इसके लिए अलग मत है, कुछ लोग इसी हिंदी जो है इसके अर्थ को इसी नाम पर समझाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि हिन धन दू, ठीक है ना। यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है हिन धन दू, हिंदू, ठीक है ना। देखा जाए तो हिन धन दू का अर्थ समझाने के लिए उन्होंने क्या कहा कि हिन का मतलब होता है हनन करने वाला, ठीक है ना। हिन का मतलब होता है हनन करने वाला, ठीक है, और दू का मतलब होता है दुष्ट, ठीक है। तो क्या कहा, दुष्टों का हनन करने वाला हिंदू हुआ और यहाँ के लोगों की बोलचाल की भाषा है, इसलिए यह भाषा हिंदी कहलाई। कुछ लोगों का अलग मानना है, कुछ लोगों का मानना है एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि हिन, ठीक है, कुछ लोगों का मानना है हिन धन दू, ठीक है। इस हीन का मतलब होता है हीनो, हीनो मतलब कि जो हीन जो है वो अच्छे नहीं है, उसका दू से दलन करने वाला, हीनो का दलन करने वाला हिंदू बना और यह भाषा यहाँ के लोगों के द्वारा प्रयोग की जाती है, इसलिए इसे हिंदू लोगों के द्वारा प्रयोग किए जाने के कारण हिंदी भाषा का दर्जा दिया गया। माना कि ये जो दो प्रमाण थे, हीनो का हनन करने वाला या दुष्टों का हनन करने वाला, इसकी कोई सार्थक प्रमाणिकता नहीं है। जो सार्थक प्रमाण है ये कहता है कि यह एक फारसी शब्द है जो ईरान प्रांत के लोगों द्वारा दिया गया और यह सिंध का ही एक अपभ्रंशित रूप है जो सिंधु में से हिंदू बना और सिंध से हिंद में ई फारसी प्रत्यय लगाकर हिंदी बनी और यह भाषा कहलाई हिंदी। परंतु विद्वानों के अनुसार हिंदी शब्द की उत्पत्ति जो है वो अलबरूनी से मानी जाती है। विद्वानों के अनुसार ये तो सारी बातें कही सुनी हैं, परंतु विद्वानों के अनुसार इसका जो प्रयोग है वह अल बरूनी से मानी जाती है, ठीक है। तो कुछ विद्वान का कहना है कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति जो है वो अल बरूनी से हुई है। यह जफर नामक ग्रंथ से, इसका जो नाम है वो जफर नामा ग्रंथ में सुनने को मिला था, ठीक है। यह जफरनामा ग्रंथ में मिला था, अल बरूनी कहते हैं, जो शरफुद्दीन मस्जिदी ने लिखा था 1424 में, जो साहित्यकार थे जिसका नाम था शरफुद्दीन मस्जिदी, उन्होंने अपनी सबसे पहले ग्रंथ जफरनामा में इस प्रथम भाषा के अर्थ में हिंदी शब्द का प्रयोग किया था। तो विद्वानों के अनुसार क्या कहा कि विद्वानों के अनुसार यह अल बरूनी से है,
जो हिंदी शब्द है, कुछ कहते हैं कि शरफुद्दीन मजदी के द्वारा जब उन 1424 में जफरनामा नामक एक ग्रंथ लिखा था, तो सर्वप्रथम उनके द्वारा इस हिंदी शब्द का प्रयोग जो है वो किया गया था। और इसी हिंदी भाषा पर संबंधित कालांतर में जो भी साहित्यिक प्रयोग किए गए थे, उसके इतिहास के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है। तो हिंदी शब्द के बारे में तो जान लिया, अब समझते हैं कि साहित्य क्या होता है। ठीक है ना, हम समझते हैं कि हिंदी शब्द का साहित्य की यदि हम बात करें तो ये साहित्य क्या होता है। साहित्य का यदि संधि विच्छेद किया जाए तो ये कहलाता है साधन हित्य। ठीक है ना, साहित्य का संधि विच्छेद है साधनहित्य। ठीक है, हम सा का अर्थ लेते हैं साथ, ठीक है, और हित्य का मतलब होता है हित। साथ हित मतलब कि साहित्य, अर्थात जिसमें सबके हित की बात की जाए उसे साहित्य कहा जाता है। ऐसा प्रयोग जिसमें सबके हितों के बारे में बात की जाए उसे साहित्य कहा जाता है। और एक भाषाविद या एक व्याकरणिक या एक साहित्यकार हैं जिसका नाम है महावीर प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी युग को जिसे हम महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से जानते हैं, व्याकरण या सुधार काल कहा जाता है, क्योंकि इस समय उन्होंने व्याकरणिक तौर पर सौंदर्य को बनाया। किसका? खड़ी बोली का शुद्ध रूप। खड़ी बोली यूं तो मानक हिंदी का ही प्रथम स्वरूप है। खड़ी बोली जो मानक हिंदी का प्रथम स्वरूप है, हम कह सकते हैं कि मानक और आम संपर्क की संबंधित विकसित होकर व्याकरणिक होकर शासन द्वारा मान्य हो गई, वही मानक हिंदी जिसके बारे में हम बात करेंगे, जिसके कार्य के शुरुआत जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा द्विवेदी युग में किया गया था। उस महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। द्विवेदी जी ने कहा था कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, और उन्होंने इसके प्रमाण भी दिए थे कि साहित्य समाज का दर्पण कैसे होता है। हम थोड़ा पीछे जाके देखेंगे कि क्या कभी साहित्य जिसमें सबके साथ के हित की बात की जाए जिसे साहित्य कहा जाता है, तो क्या कभी ये समाज का दर्पण है। हम यहाँ दो चीज़ों को लेते हैं, एक हम लेते हैं रामायण काल को और अब हम लेते हैं महाभारत को। ठीक है, जब हम इधर रामायण की बात कर रहे हैं जो एक बहुत बड़ा महाकाव्य है, और दूसरी तरफ पर यदि हम महाभारत की बात करें तो महाभारत भी अपने आप में एक महाकाव्य है। ठीक है, चूँकि रामायण का समय जो था वो त्रेता युग था और महाभारत का समय जो था वो द्वापर युग था, लेकिन यह एक समाज का दर्पण जो कहला रहा है साहित्य, क्या इसकी प्रामाणिकता साबित कर सकता है। तो चलिए हम पहले देखते हैं कि यह कैसे इसकी प्रामाणिकता साबित कर सकता है। यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं दो ऐसे समय के बारे में जो एक घटनाक्रम है त्रेता युग का और दूसरा घटनाक्रम है द्वापर युग का, अर्थात रामायण कालीन और महाभारत कालीन। रामायण कालीन अवस्था जिसमें हम चर्चा करें तो इसकी विशेषता उस महाभारत कालीन अवस्था से थोड़ी सी अलग है, क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है कि यह साहित्य जो है वह समाज का दर्पण होता है। तो किस तरह से हम इसे समाज का दर्पण मान सकते हैं उसके बारे में देखें कि पहली बात तो कि रामायण आधारित है श्री रामचंद्र जी पर और महाभारत आधारित माना जाता है कृष्ण पर। ठीक है, दोनों के समय की बात अगर की जाए तो रामायण में हम देखते हैं कि भाई और भाई का प्रेम था। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि रामचंद्र जी जो थे वो चार भाई थे, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। यहाँ भाई का भाई से इतना अथाह प्रेम था कि वनवास तो मिला था श्री रामचंद्र जी को, परंतु 14 वर्ष उनके साथ लक्ष्मण उनके साथ रहे, हर दुख में हर सुख में उनका साथ निभाया। यहाँ तक कि सीता को प्राप्त करने के लिए जो राम और रावण का युद्ध हुआ उसमें अपने उन्होंने जान की बाजी लगा कर भी अपने भाई का साथ निभाया। वही एक भाई जिसे के राज सिंहासन की प्राप्ति के लिए कैकेयी के द्वारा जो दशरथ जी से वरदान मांगा गया, वह भाई
अपने भाई से इतना प्रेम करता था कि 14 वर्ष तक उनका उन्होंने इंतजार किया राजपाट प्राप्त होने के बावजूद। सबसे छोटे शत्रुघ्न जो अपने इन तीन बड़े भाइयों को अपना आदर्श मानते थे, तो रामायणकालीन परिवेश में भाई का भाई के प्रति प्रेम देखने को मिलता है। लेकिन वहीं जब हम महाभारत के समय का देखें तो भाई और भाई के बीच में द्वेष देखने को मिलता है। यह द्वेष जब अपनी चरम स्थिति पर आता है जहां उसे राजपाट के लिए एक महाभारत जैसे युद्ध को अंजाम जो है वो दिया जाता है। यूं तो कौरव और पांडव भाई थे, परंतु उनके मध्य ऐसा द्वेष देखने को मिला कि महाभारत का युद्ध जो है वो होने को हुआ। ठीक है, इसके पश्चात अगर हम रामायणकालीन अवस्था में देखें तो यहाँ स्त्री का सम्मान था। रामायणकालीन अवस्था में स्त्री का सम्मान था। वह माता सीता के लिए श्री रामचंद्र जी का रावण जैसे अहंकारी के साथ में युद्ध करना, यहाँ बात सीता के अस्तित्व और नारी सम्मान की होती है, वहीं यहाँ स्त्री नारी का अपमान हुआ। भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण किया गया, जहाँ नारी जो पूजनीय मानी जाती है, माता तुल्य मानी जाती है, महाभारतकालीन परिवेश में उस स्त्री का भरी सभा में जो है वो अपमान किया गया। अगली बात आते हैं कि यहाँ अपने आराध्य अपने पूज्य पिता को आदर्श और उनको अपना सर्वोपरि मानते हुए रामचंद्र जी बिना किसी प्रश्न के पूछे 14 वर्ष की अवस्था में चले जाते हैं वनवास के लिए। 14 वर्ष की अवस्था जो उनको दी जाती है कि 14 वर्ष आपको वनवास निभाना है, एक शब्द अपने पिता से नहीं पूछते कि आखिर मेरी गलती क्या है, कि ऐसा मैंने क्या कर दिया कि 14 वर्ष के लिए मुझे वनवास भेजा जा रहा है। परंतु यहाँ पर पिता की आज्ञा को शिरोधार्य माना गया, जबकि महाभारतकालीन अवस्था में चाहे वो हमारे लिए गांधारी हो, चाहे वो हमारे लिए राजा धृतराष्ट्र हो, उनकी बातों की उनके पुत्र के द्वारा अवहेलना की गई। कभी भी उन्होंने अपने पिता की बातों को अपने लिए शिरोधार्य नहीं माना। इसके अलावा हम देखते हैं कि रामायण काल में गुरु का सम्मान था। गुरु जो उनको शिक्षा देता था, एक कुटिया में रहते थे लेकिन कुटिया में भी रहकर उनका सम्मान था। उस गुरु को जिससे हर प्रकार के प्रश्न, हर प्रकार के आज्ञा, हर प्रकार की बातों को पूछा जाता था और उनके मार्गदर्शन में ही कार्य किए जाते थे। जब रामचंद्र जी को यह पता चला कि उनके शहर में, उनके नगर में रहने वाले लोग सीता माता को लेकर अनर्गल बातें कर रहे हैं, तो एक शासक होने के बाद उनके मन में एक कश्मकश रही कि आखिर मैं करूं तो क्या करूं। वह एक आदर्श पति थे जिन्होंने अपनी पत्नी को वचन दिया था कि हमेशा उसके सम्मान की रक्षा करेंगे। अब वह एक ऐसी कश्मकश में पड़े थे कि वह करे तो क्या करे, परंतु अंत में गुरु का सर्वोत्कृष्ट सम्मान देखते हुए वो अपने गुरु के पास गए और उनके गुरु ने एक राजा होने के कर्तव्य को उन्होंने सबको समझाया और रामचंद्र जी ने एक राजा के अनुसार जो है वह निर्णय लिया। और यहाँ पर गुरु के सम्मान की बात है कि गुरु के हर बात को सम्मान किया जाता था, गुरु के द्वारा दिए गए मार्गदर्शन को ही माना जाता था। परंतु महाभारत में क्या था कि गुरु जो है वह बंधक थे, गुरु बंधक थे। बंधक कहने का मतलब कैद खाने में बंद नहीं, परंतु इस गुरु को राजाश्रय दिया गया था। इस गुरु को राजाश्रय दिया गया था कि गुरु द्रोणाचार्य जो है अपनी कुटिया में नहीं बल्कि उस कौरव और पांडव के साथ में उस महल में रहते थे। यहाँ तक कि उनको इतना ज़्यादा बंदिशें दी गई थी कि वह एकलव्य जैसे होनहार जो शिष्य है उसको भी शिक्षा नहीं दे सकता था, केवल राजकुमारों और ब्राह्मण पुत्रों को ही वो शिक्षा दे सकते थे। यहाँ तक कि जब रामायण के समय में गुरु जो है वो आदर्श होते थे, यहाँ पर गुरु शिक्षा देने के साथ साथ युद्ध भूमि पर भी गया और जिस शिष्य को उन्होंने शिक्षा दी थी उन शिष्यों पर भी बाण चलाने से वो पीछे नहीं हटे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो रामायण के समय का समाज का परिवेश पूरी तरह से अलग था और महाभारत के समय के परिवेश जो हैं वो पूरी तरह से अलग थे। इसलिए कहा गया है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है।
ठीक है, और साहित्य और समाज में घनिष्ठ संबंध होते हैं। बालकृष्ण भट्ट का कहना है कि साहित्य जनता या जनसमूह के हृदय का विकास है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा कि साहित्य समाज का दर्पण है, और बालकृष्ण भट्ट का कहना है कि साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। हमने यहाँ जान लिया कि हिंदी क्या है, हमने जान लिया कि साहित्य क्या है, जहाँ सबके हित की बात की जाए वो साहित्य है। अब जानते हैं कि इतिहास क्या है। अब यहाँ आते हैं कि इतिहास का अर्थ क्या है। तो इतिहास, ठीक है ना, इतिहास तो बहुत सारे भाषाविद के अनुसार अलग अलग बातें कही गई है, लेकिन अगर हम डॉक्टर नगेंद्र की बात करें, भाषाविद डॉक्टर नगेंद्र जो साहित्यकार हैं, उनका कहना है कि इसका एक सरल सा शाब्दिक अर्थ है, इसका अर्थ है ऐसा ही था। ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार इसका शाब्दिक अर्थ है कि ऐसा ही था या ऐसा ही हुआ। ये दो अर्थ लिया गया है डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार। किसके अनुसार? डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार। वो कहते हैं कि ऐसा ही था या ऐसा ही हुआ था, अर्थात एक तो यह कि इसका संबंध जो है वो अतीत से होता है, दूसरे अर्थ में कह सकते हैं कि केवल वास्तविक या यथार्थ घटनाओं का जिसमें समावेश किया जाता है। आज इतिहास शब्द को व्यापक तौर पर कहा जा सकता है कि इसके अंतर्गत अतीत में बीती हुए समय की परिस्थितियां, घटना, प्रक्रिया, विशेषताओं की व्याख्या को मिलाया जाता है। समग्र तौर पर हम कह सकते हैं कि अतीत के किसी भी तथ्य, तत्व, प्रकृति के विवरण, विश्लेषण को जो किसी काल विशेष या काल क्रम में दृष्टिपात किया गया हो, इतिहास कहलाता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि बीते हुए समय के घटनाक्रम का वर्तमान समय में जानकारी प्राप्त करना ही इतिहास कहलाता है। अर्थात इतिहास वह वस्तु है, वह विचार और घटना है जिसकी पूरी संरचना इतिहासकार के मस्तिष्क में जो है वो तैयार होता है। तो क्या फिर इस इतिहास को हम सामाजिक विज्ञान कह सकते हैं? जैसे कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि साहित्य समाज का दर्पण है, तो इतिहास वास्तव में एक वास्तविक तौर पर सामाजिक विज्ञान कहलाएगा। जिस तरह विज्ञान के अंतर्गत हम हर एक तत्व के बारे में जानते हैं कि यदि शरीर है तो इसके अंग क्या हैं, इन अंगों का कार्य क्या है, इनके होने के फायदे क्या हैं, इनके न होने से नुकसान क्या हो सकता है, इसकी देखभाल कैसे की जाएगी, इसकी विशेषता क्या, हर एक पक्ष को हम विज्ञान में जानते हैं, वैसे ही समाज के हर एक पक्ष को हम इतिहास के माध्यम से जानते हैं। इसलिए इतिहास वास्तव में एक सामाजिक विज्ञान है। इसमें समाज के जीवन को प्रभावित करने वाले, उसको परिवर्तित करने वाले, उस पर पड़ने वाले राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जो भी परिवेश पड़ा हुआ है, उसके प्रभाव से समाज में जो विकास में सहायक हुए, उस समाज के विकास में जो बाधक हुए, उन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त कराता है। इसलिए इसे सामाजिक विज्ञान कहा जा सकता है। साथ ही समाज के विकास में साधक और बाधक दोनों तत्वों का प्रयोग करने से हेनरी पिटेन एक साहित्यकार हैं, उनका कहना है कि इतिहास अतीत में व्यतीत मानवीय समाज के विकास का विवेचन होता है। इसलिए चूंकि मनुष्य है तो मनुष्य से समाज है, समाज है तो सभ्यता और संस्कृति है, और सभ्यता और संस्कृति है तो साहित्य का प्रभाव देखने को मिलता है। तो साहित्य समाज में घनिष्ठ संबंध होता है, इसलिए देखा जाए तो समाज के बारे में वृहद तौर पर ऐतिहासिक घटनाक्रम के अनुसार हर प्रकार की विवेचना जहाँ की जाती है उसे सामाजिक विज्ञान कहा जाएगा। किसका? इतिहास को एक सामाजिक विज्ञान कहा जाएगा। इसके बाद आते हैं कि हिंदी साहित्य के जो इसके
प्रभाव मैंने बताया, इसके आधार पर हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य लेखन की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है। ठीक है, अब तक मैंने आपको बहुत बेसिक चीज़ बताई कि हिंदी क्या है, साहित्य क्या है, इतिहास क्या है। क्या अगर इतिहास है तो इसे हम साहित्य का इतिहास कह सकते हैं, और अगर हम इसे साहित्य का इतिहास कह रहे हैं जिसे सामाजिक विज्ञान कहा जाता है, तो क्या इसके अंतर्गत साहित्यिक दर्शन हमको प्राप्त होते हैं। तो कहा जाता है कि सामाजिक विज्ञान में ऐतिहासिक दर्शन की भांति साहित्य का भी अपना एक ऐतिहासिक दर्शन जो है वो होता है। साहित्य के इतिहास में रचनाओं के माध्यम से तात्कालिक समाज के सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों की पहचान होती है। इस आधार पर कह सकते हैं कि वास्तव में किसी युग विशेष के समाज और उसकी संस्कृति का बिंब साहित्य के माध्यम से ही प्राप्त हो सकता है। इसलिए साहित्य के इतिहास के रचनाकार जो होते हैं, जिसे साहित्यकार या रचनाकार कहते हैं, पूरे परिवेश में उनकी कृति का, उनकी रचनाओं का सम्यक तौर पर आकलन और मूल्यांकन किया जाता है, जिसके अंतर्गत हमें साहित्य के इतिहास के दर्शन जो है वो होते हैं। तो साहित्य ऐतिहासिक दर्शन की शुरुआत कब से हुई, साहित्य में ऐतिहासिक रूप से इसकी शुरुआत कब से हुई, तो कहा जाता है कि इसकी शुरुआत जो है वो 19वीं शताब्दी के समय, या कुछ इतिहासकारों के द्वारा 19वीं शताब्दी के समय माना जाता है, और कुछ का कहना है कि 19वीं शताब्दी के बाद माना जाता है। इससे पहले कभी भी हिंदी साहित्य के विशेष तौर पर कोई भी ग्रंथ प्राप्त नहीं हुए थे। 19वीं शताब्दी से पहले साहित्यिक तौर पर हमारे यहाँ संस्कृत साहित्य विद्यमान था, लेकिन 19वीं शताब्दी के आते हुए हमने अंग्रेजी साहित्य का अपने ऊपर पड़ते प्रभाव को देखा, और यहाँ पर हिंदी साहित्य जो है विशेष तौर पर 19वीं शताब्दी में ही अपना एक विशेष रूप जो है लेकर आई। परंतु कुछ इतिहासकार या साहित्यकार कहते हैं कि 19वीं शताब्दी में, और कुछ कहते हैं 19वीं शताब्दी के बाद ही भारतवर्ष में हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का वास्तविक प्रमाण देखने को मिलता है। तो इससे पहले क्या था देखा जाए, तो अब हम देखते हैं कि इससे पहले भारत के अंदर हिंदी साहित्य लेखन की शुरुआत कहाँ से थी। ठीक है, अब हम चलते हैं हिंदी साहित्य लेखन की शुरुआत। ठीक है, ये एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, भले ही शुरुआत में आपको लगे कि हमें इसकी क्या ज़रूरत, पर हमारा उद्देश्य केवल CGPSC देने वाले बच्चों के साथ साथ हम कहते हैं कि कोई भी परीक्षा आप देते हैं तो वहाँ पूछे जाने वाले प्रश्नों में आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसलिए हमारी एक छोटी सी कोशिश होती है कि हम आपको हर तरह से तैयार जो है कर सके। अभी जो हम पढ़ रहे हैं उसमें हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की बात कर रहे हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया कि कुछ लोगों का कहना है कि 19वीं शताब्दी में शुरुआत हुई, कुछ का कहना है 19वीं शताब्दी के बाद। परंतु इसके लेखन की शुरुआत अगर हम कहें तो यहां इसके लेखन की शुरुआत मानी जाती है पहले ग्रंथ से। पहला ग्रंथ 84 वैष्णवन की वार्ता थी। ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, 84 वैष्णवन की वार्ता थी, ठीक है ना, ये पहला ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, भारत के अंदर लिखा गया इसे प्रथम ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि यह 84 वैष्णवन की वार्ता थी, गोकुलनाथ द्वारा रचित, जो वल्लभाचार्य के नाती थे। इसका समय 14वीं से 15वीं शती माना जाता है, 14वीं से 15वीं शताब्दी माना जाता है, इसका समय माना जाता है 14th to 15th century। ठीक है, इसमें 84 कृष्ण या वैष्णव भक्तों की और वल्लभाचार्य जी के भक्तों के विषय में लिखा गया था, परंतु इसमें तिथियों का अभाव है, अतः यह इतिहास नहीं है, क्योंकि जहाँ तिथियों की गणना, प्रामाणिकता या वैज्ञानिक पद्धति की कमी हो
उसे कभी भी साहित्य माना नहीं जा सकता। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि साहित्य की विशेषता क्या होती है कि हम उसे साहित्य कहाँ मानेंगे। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि साहित्य मानने के लिए हम कह सकते हैं कि जिसमें तिथि की गणना हो, जिस साहित्य में तिथि की गणना हो, ठीक है, साथ में उसमें प्रामाणिकता हो, ठीक है, और वह जो वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार लिखा जाए, तो ये जो तीन गुण जिसमें होंगे ना, वही साहित्य कहलाता है। परंतु ये जो 84 वैष्णवन की वार्ता थी, इसे साहित्य नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता? क्योंकि इसमें 84 कृष्ण या वैष्णव भक्तों का वर्णन था, साथ में वल्लभाचार्य के जो भक्त थे उनके विषयों में इसमें लिखा गया था। इसलिए इस प्रथम ग्रंथ को, जिसका नाम 84 वैष्णवन की वार्ता थी, इसे साहित्य का इतिहास के लेखन का ग्रंथ माना नहीं जाएगा। दूसरा ग्रंथ आता है हमारे लिए अगला। दूसरा ग्रंथ था 200 वैष्णव की वार्ता, ठीक है। पहले में था 84 वैष्णवन की वार्ता, अब यहाँ 200 वैष्णवन की वार्ता, इसे दूसरा ग्रंथ माना जाता है, ठीक है। और ये क्या था? विट्ठलनाथ के जो शिष्य थे, विट्ठलनाथ वे जो वल्लभाचार्य के पुत्र थे, इन्होंने 252 शिष्य बनाए थे, 252 शिष्य बनाए थे, और गोकुलनाथ विट्ठलनाथ के पुत्र थे, और उन्होंने इस 200 वैष्णवन की वार्ता में केवल भक्त कवियों के जीवन चरित्र की बात कही थी। इसमें भी साहित्य के लिए प्रस्तुत होने वाली जो तीन मैंने आधार बताए उनकी कमी थी, इसलिए इसे भी साहित्यिक ग्रंथ माना नहीं गया। अगला आते हैं तीसरा ग्रंथ। जब तीसरे ग्रंथ की बात हुई थी तो थोड़ा सा और बढ़ाने का प्रयास किया गया। इस तीसरा ग्रंथ, ठीक है ना, इस तीसरे ग्रंथ का निर्माण हुआ था 15वीं से 16वीं शती के मध्य, ठीक है, जो ब्रज भाषा में लिखी गई थी, नाभादास जी के द्वारा लिखा गया। क्योंकि अगर हम कहें तो ये नाभादास जी अग्रदास के शिष्य थे। अग्रदास जी एक ऐसे कवि थे जिन्होंने राम काव्य को रसिक भावना से, संप्रदाय से समावेश किया कि राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम है उसे रसिक बताया गया, सीता के प्रति रसिया और प्रेमी बताया गया, तो राम काव्य में इनके द्वारा रसिक भावना को प्रवेशित किया गया। और इस तरह उन्होंने 200 भक्त कवियों का विवेचन किया। ध्यान से रखेंगे कि इस तीसरे ग्रंथ में जिसकी रचना करी थी ब्रजभाषा में नाभादास जी के द्वारा, जो अग्रदास के शिष्य थे, वो अग्रदास जिसने अपने राम काव्य में रसिक भावना वाले संप्रदाय को डाला था, और 200 भक्त कवियों का विवेचन किया था, और 316 कवित्त छंद का प्रयोग करके उन्होंने भक्तमाल की रचना जो है वो करी थी। इसे भी हम साहित्य का इतिहास वाला ग्रंथ नहीं मान सकते, क्योंकि यहाँ पर भी कवियों का उल्लेख है, किसी साहित्यिक रचना का उल्लेख नहीं है, ठीक है। चौथा ग्रंथ, अब आते हैं भारत के अंदर लिखा गया चौथा ग्रंथ है कालिदास के द्वारा रचित कालिदास हजारा, जिसमें कवियों का जीवन चरित्र वर्णित किया गया था। ये जो प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ ग्रंथ लिखे गए, इन सारे ग्रंथों को हम साहित्यिक रचना का ग्रंथ जो है वो नहीं मान सकते हैं, क्योंकि इसमें न तो कोई ऐतिहासिकता थी, न तो इसमें कोई प्रामाणिकता थी, न तो तिथियों की गणना थी, और न ही इसमें वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार लिखा गया था। इसलिए इन सारी कमियों के कारण इन ग्रंथों को कभी भी साहित्यिक ग्रंथ का जो दौर है वो माना नहीं गया। इसलिए भारतवर्ष में हम हिंदी साहित्य लेखन की शुरुआत जो है उसका प्रयोग और प्रमाण कब से मानते हैं? तो साहित्य के इतिहास से
तात्पर्य क्या है अगर हम कहते हैं तो कह सकते हैं कि साहित्य के अंतर्गत सृजित ग्रंथों की विवरणावली के क्रमिक को इतिहासिक तौर पर प्रस्तुत करना साहित्य का इतिहास कहलाता है। ठीक है, मैंने क्या बताया कि साहित्य के इतिहास का आशय क्या होता है, तो साहित्य के इतिहास का आशय हम कह सकते हैं कि साहित्य के अंतर्गत सृजित ग्रंथों की विवरणावली को क्रमिक रूप से जब दर्शाया जाता है तब उसे साहित्य का इतिहास कहते हैं, जिससे सामाजिक सांस्कृतिक जीवन के योगदान को भी चित्रित किया जाता है, उसकी विवेचना की जाती है या विशिष्ट साहित्य का प्रारंभ सूत्रधार सिद्धांत तथा उसके आगे सृजक कब रहे, क्यों रहे, कैसे रहे, उनके द्वारा कैसा प्रयोग किया गया था, इन सब का वर्णन जो है वो किया जाता है। कार्लाइल के अनुसार, एक साहित्यकार हैं, भाषाविद हैं कार्लाइल, उनके अनुसार इतिहास एक ऐसा दर्शन है जो दृष्टांतों के द्वारा शिक्षा प्रदान करता है। दृष्टांत क्या होते हैं? प्रूफ देना, प्रमाण देना, उदाहरण देना। तो कार्लाइल कहते हैं कि इतिहास एक ऐसा दर्शन है जो दृष्टांतों के द्वारा शिक्षा प्रदान करता है, अर्थात अतीत के तथ्यों को क्रमबद्ध और व्याख्यात्मक अध्ययन कराना ही इतिहास कहलाता है। ठीक है, तो साहित्य के इतिहास से क्या मतलब हुआ कि जिसके अंतर्गत सृजित ग्रंथों की विवरणावली को क्रमबद्ध रूप से समझाया जाता है, जहाँ दृष्टांत के माध्यम से उसे प्रस्तुत कराया जाता है, जहाँ धार्मिक सामाजिक सांस्कृतिक और आपके राजनीतिक हर एक पक्ष के पहलू उजागर होते हैं, उसे साहित्य का इतिहास जो है वो कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसके लिए कुछ विशेष बात कहते हैं, है ना? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा इसके लिए एक विशेष बात है जो कही गई है। सारी बातों की प्रामाणिकता के तौर पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं कि जबकि किसी देश के साहित्य वहाँ की जनता की चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्त वृत्ति में परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के रूप में भी परिवर्तन होता है। मनुष्य मूल्य और आवश्यकताओं की खोज में दिन प्रतिदिन नए नए प्रयोग परिवर्तन करता रहता है, जिसका प्रभाव समाज के विकास में सहायक होता है, और इसी तरह उसके चित्त वृत्ति मतलब मन की जो उसकी भावनाएँ हैं उसमें यदि किसी प्रकार का वह परिवर्तन चाहता है तो उस परिवर्तन के आधार पर भी वह साहित्य में परिवर्तन जो है वो करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि आदि से अंत तक चित्त वृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उसका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्त वृत्ति अर्थात उसके मन की जो वृत्ति है, व्यवहार है, प्रकृति है, धर्म है, आचरण है, कुछ राजनीतिक सामाजिक सांस्कृतिक सांप्रदायिक परिस्थिति के अनुसार बदल जाती है। अर्थात आचार्य शुक्ल का एक मत जो कहा उन्होंने कि क्या कहा आचार्य शुक्ल ने, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता के चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, उसी बात को सहमति प्रदान करते हुए एक राइटर हैं जिसका नाम है डॉक्टर शीलावती गुप्ता, वो कहती हैं कि साहित्य मानवीय अनश्चेतना का पर्याय है, मानव की चेतना उसकी मनोभाव चित्त वृत्तियाँ युगिन परिस्थितियों के खाद्यान्न से पोषण प्राप्त करते हुए तदनुरूप परिवर्तित होती है, अतः उन्हीं प्रति रूप साहित्य के प्रत्येक युग में दर्पण के तौर पर विकासशील स्वरूप को जहाँ वह नए परिवेश में बदलता जाता है, सामाजिक परिप्रेक्ष्य में इस प्रगतिशील रूप में जब समाज के अध्ययन और अनुशीलन के संबंधी साहित्य का इतिहास होता है। कुल मिलाकर सारी बातों ने क्या समझाने का प्रयास किया कि साहित्य समाज का दर्पण है
और साहित्य जो समाज में रहने वाले जन समूह के हृदय का विकास है, अर्थात उसके हृदय में पड़ने वाले समस्त प्रकार के जो प्रभाव हैं उसके अनुसार उसको एक बिंब के तौर पर अगर वो प्रस्तुत करता है तब वह साहित्य का इतिहास कहलाता है। अब हम आते हैं साहित्य इतिहास का काल विभाजन, जो आपका सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से जो प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब तक मैंने आपको क्या बताया कि हिंदी क्या है, साहित्य क्या है, इतिहास क्या है, और मैंने उसमें इतिहास लेखन की शुरुआत बताई। ठीक है, और इतिहास लेखन की शुरुआत के बाद अब हम चल रहे हैं साहित्य इतिहास के आशय के पश्चात काल विभाजन का आधार। ठीक है, हिंदी साहित्य का काल विभाजन ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न जो है वो हर साल आपको मेंस में पूछा जाता है। काल का मतलब होता है समय, काल का मतलब होता है समय, और देखा जाए तो काल विभाजन की हम बात करें तो साहित्य के इतिहास को क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करने के लिए काल विभाजन का नामकरण जो है वो आवश्यक था। विद्वानों द्वारा काल विभाजन के लिए विभिन्न प्रकार के आधार जो है वो माने गए थे। कुछ आधार विशेष थे और कुछ आधार जो थे वो निराधार थे। काल विभाजन और उसके नामकरण के आधार के लिए कुछ विद्वानों के द्वारा अलग अलग बातों को पक्ष रखा गया। किसी के अनुसार ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार विभाजन की बात की गई। पहला आधार क्या रखा गया? ऐतिहासिक कालक्रम। ठीक है, कुछ इतिहासकार कहते हैं इतिहास में समय में जो एक घटनाक्रम से जो परिवर्तन होता गया उसे ऐतिहासिक कालक्रम माना जाए। दूसरा किसी ने कहा शासक और उसके शासनकाल के अनुसार, दूसरे ने कहा कि जो शासक थे, ठीक है, शासक व उसके कालक्रम के अनुसार। इन सब के बारे में मैं आपको और बहुत अच्छे से बताने की कोशिश करूंगी। ठीक है, किसी साहित्यकारों ने ये कहा कि लोक नायक और उस प्रभाव काल के अनुसार। किसके अनुसार? लोक नायक जो उस समय थे, ठीक है, व उनके प्रभाव के अनुसार। ठीक है, तो किसी ने एक अलग पक्ष रखा और उन्होंने कहा कि जो साहित्यिक नेता थे, जो साहित्य के लिए जो साहित्यिक नेता थे, ठीक है, उनका क्या योगदान था, उसके आधार पर उसकी परिस्थिति क्या थी, साथ में जो राष्ट्रीय सामाजिक और सांस्कृतिक, ठीक है, राष्ट्रीय सामाजिक सांस्कृतिक और एक हम कह सकते हैं धार्मिक, ठीक है, इसको भी आधार माना गया। किसका आधार माना गया? इतिहास के काल विभाजन का आधार माना गया। ठीक है, हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं इतिहास विभाजन का जो नामकरण है उसका क्या आधार था। साहित्य के इतिहास को क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करने के लिए उसका नामकरण करना आवश्यक हो गया, जिसके लिए जब लोगों से पूछा गया कि आपके अनुसार साहित्य के इतिहास का नामकरण क्या होना चाहिए, तो कुछ ने अपने अनुसार ये बताया कि ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार उसका नामकरण कीजिए, किसी ने कहा शासक और उसके कालक्रम के अनुसार, किसी ने कहा लोकनायक व उस लोकनायक के प्रभाव के अनुसार, किसी ने कहा साहित्यिक नेता और उसके योगदान को ध्यान में रखकर, किसी ने कहा राष्ट्रीय सामाजिक और धार्मिक जो भी घटना का उस समय की धारा पर प्रभाव पड़ा उसको ध्यान में रखकर, किसी ने कहा साहित्यिक प्रवृत्ति के स्थान के नाम पर। अर्थात कुल मिलाकर देख सकते हैं कि ऐतिहासिक कालक्रम, जहाँ पर हम यहाँ ऐतिहासिक कालक्रम की चर्चा कर रहे हैं, तो इस ऐतिहासिक कालक्रम में हम बताएं तो ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार इसे नाम दिया गया, जैसे कि आदिकाल, वीरगाथा काल, भक्तिकाल, मध्यकाल, संक्रांति काल, एलिजाबेथ युग भी यहाँ पर ऐतिहासिक कालक्रम के आधार पर नामकरण जो है वो किए गए थे। दूसरा, यहाँ पर कुछ कहते हैं कि शासक और उसके कालक्रम के अनुसार, तो इसे शासक या प्रशासक भी कह सकते हैं, जैसे कि विक्टोरिया युग, जैसे कि हमारे लिए एलिजाबेथ युग, जैसे कि मराठा युग, ये शासक और उसके कालक्रम के अनुसार है। तीसरा,
लोक नायक या लोक प्रसिद्ध व्यक्ति और उसके प्रभाव के अनुसार कहें तो हम यहाँ पर चैतन्य काल, इसी प्रकार गांधी युग जैसे लोक नायक के अनुसार उसकी प्रवृत्ति से उसे नामकरण दे सकते हैं। अगला जो है साहित्यिक नेता की बात कर रहा है, तो साहित्यिक नेतृत्वकर्ता के प्रभाव या साहित्यिक महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम पर भी युग का नाम जो है वो बटा था, जैसे कि प्रसाद युग, निराला युग, शुक्ल युग, रविंद्र युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रेमचंद युग। इसके आधार पर जो हम कह सकते हैं राष्ट्रीय, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक घटना या आंदोलन के आधार पर जो भी घटनाएं हुई, जैसे भारतेंदु युग में जो स्वतंत्रता संग्राम का समय था उस समय इसे हम कहीं ना कहीं युगिन तौर पर हम कह रहे हैं, लेकिन उस समय की घटनाएं थी जो राजनीतिक यानी कि राष्ट्रीयता पर आधारित थी, इसलिए यहाँ पर राष्ट्रीय, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक परिवेश के आधार पर भी उसका नामकरण किया गया। अगला है इसी आधार पर हम देखें तो इस धार्मिक युग की हम बात कर रहे हैं तो भक्ति युग आता है, इसी तरह पुनर्जागरण काल, सुधार काल, युद्धोत्तर युग कह सकते हैं और इसके अंतर्गत हम छायावादी युग भी कह सकते हैं। ये हमारे राष्ट्रीय, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक परिवेश के आधार पर नामकरण है। छठवां हम ले सकते हैं यहाँ पर एक नया सा, जहाँ हम बात करें छठवें की, जो एक नया रूप है, ठीक है, एक छठवां नया रूप है, यह है हमारे लिए साहित्य प्रवृत्ति के प्रतीक या प्रमाण के तौर पर, साहित्यिक प्रवृत्ति या प्रतीक के प्रमाण के तौर पर। साहित्य में जो प्रवृत्ति थी, साहित्य में जो हमारे लिए विशेषता थी, उसके आधार पर हम कह सकते हैं रोमानी युग, या हम कह सकते हैं रीतिकालीन युग, या हम कह सकते हैं छायावादी युग। और इस तरह से आधार माना गया जहाँ से मुख्य थी हमारे लिए ऐतिहासिक कालक्रम, शासक व उसके कालक्रम के अनुसार, लोकनायक व उसके प्रभाव के अनुसार, साहित्यिक नेता के योगदान के अनुसार और राष्ट्रीय, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक परिवेश के आधार पर इतिहास के कालक्रम के जो नाम हैं उसके वर्गीकरण या उसे काल निर्धारण या काल विभाजन के बारे में सोचा गया। डॉक्टर गुलाब लाल श्रीवास्तव कहते हैं कि साहित्य के इतिहास में युग चेतना और साहित्य चेतना का महत्वपूर्ण स्थान होता है, अतः साहित्य के काल विभाजन के समय ऐतिहासिक कालक्रम और साहित्यिक विद्या दोनों का आधार को ग्रहण किया जाना जरूरी है। युगों का सीमांकन मूल्य करके विशेषताओं का आरंभ और उसके अवसान मतलब उसके अंत के बाद, मतलब एक कालक्रम की कहाँ से शुरुआत हुई और कहाँ जाकर उसका जो विशेषता है वो कंप्लीट हुआ, उसके बाद फिर नया क्या आया और फिर वो जाके कहाँ ख़त्म हुआ, इन सब को आधार मानना चाहिए। इसलिए इस साहित्य के इतिहास की कुछ विशेषता है जो मानी जाती है। साहित्य के आधार की विशेषता क्या मानी जाती है? बाबू गुलाब राय के शब्दों में कह सकते हैं कि अच्छा साहित्य का इतिहास वही होता है जिसमें साहित्य के इतिहास के साथ साथ देश के इतिहास को एक अंग समझकर साहित्य की प्रवृत्तियां तथा अन्य प्रवृत्तियों के साथ में एक संगति बैठाई जाए और बाह्य प्रभाव तथा अन्य प्रेरक शक्तियों के साथ आंतरिक सौहार्द जीवन रस का जो दर्शन है वो कराया जाए। अर्थात कुल मिलाकर इस कवि के द्वारा, जो बाबू गुलाब राय है उसके द्वारा जो काव्य विवेचन किया गया कि कालक्रम का प्रभाव क्या होना चाहिए, उसके अनुसार काव्य सौंदर्य का भी विश्लेषण या उसकी विशेषता की बात कही गई कि बाबू गुलाब राय ने जब अपनी बात रखी तो उसके मत या उनके बातों को प्रभावी मानकर बहुत अच्छी एक विशेषता साहित्य के बारे में लोगों के द्वारा सुनने को मिला। और लोगों के द्वारा क्या कहा गया कि साहित्य के इतिहास के साथ साथ देश के इतिहास को सम्मिलित किया जाना चाहिए, साहित्यिक विशेषताओं पर ऐतिहासिक विशेषताओं के साथ
तालमेल का होना जरूरी है। साहित्य पर पढ़ने वाले बाह्य प्रभाव तथा प्रेरक शक्तियों का वहाँ पर स्थान होना जरूरी है। किसी ने कहा कि कवियों के काल संबंधी विवेचन का स्पष्टीकरण होना जरूरी है और उन समय के रचनाकारों के द्वारा जो रचना के जो सौंदर्य थे उनका तालमेल होना जरूरी है। कुल मिलाकर सभी लोगों ने एक विशेष तौर पर बात कही कि साहित्य के इतिहास में बहुत ही अच्छे तरीके से ऐतिहासिकता हो, साथ में कालक्रम हो, बाह्य प्रभाव और साहित्य के प्रभाव हो, तो ये सारी विशेषता अगर किसी साहित्य के इतिहास में है तो उससे अच्छा साहित्यिक इतिहास नहीं हो सकता। फिर साहित्य इतिहास को लिखने वाले लेखकों की दायित्व या साहित्यिक इतिहास के लेखकों की जिम्मेदारी क्या होती है? समाज में रहने वाला व्यक्ति मूल्य और आवश्यकताओं की खोज में दिन प्रतिदिन नए नए कार्य करते जाता है, साथ में वह यह कोशिश करता है कि उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। कहीं ना कहीं समाज पर बाह्य प्रेरक शक्तियों का भी प्रभाव जो है पड़ने को मिलता है, क्योंकि कालक्रम में परंपराएं और प्रतिमान दोनों हमेशा बदलते रहते हैं। एक परंपरा और एक नियमों से उभकर व्यक्ति नए परंपरा की तलाश में आगे बढ़ते जाता है और नए नए प्रतिमान उदाहरण या नए नए कार्य को गढ़ने लगता है। इसलिए परिवर्तित जीवन मूल्यों से समझौता करने के लिए अपनी स्वाभाविक गति को वो तेज करता है, परंतु जो उसके परंपरागत मूल रूप थे उसमें वह परिवर्तन करना नहीं चाहता। तो वर्तमान समय में रहते हुए बीते हुए घटनाक्रम के अनुभव को मानकर आने वाले भविष्य की चिंता से मुक्त होकर नई आवश्यकताओं की खोज में एक ऐसा प्रयोग करता है जिससे उसका वर्तमान जो है वो सुरक्षित हो जाता है। इसलिए कह सकते हैं कि यह सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है साहित्यकारों के ऊपर, क्योंकि साहित्य घर पहुंच सेवा है। हम किसी के घर में जाकर किसी के किचन में बेडरूम में नहीं जा सकते, लेकिन एक साहित्यिक रचना है जो किसी के भी सीने से लग सकती है। जब वह एक बहुत अच्छा सा उपन्यास पढ़ता हुआ अपने बिस्तर पर लेटे हुए उसे पढ़ता है, ना जाने कब उसकी नींद लग जाती है और वह उपन्यास उसकी छाती से लगकर उसके साथ सोता है। एक स्त्री जिसके जीवन का अधिकांश समय रसोई घर में बीतता है, थोड़े से समय का उसे सदुपयोग करना होता है तो कुछ पत्रिकाएं पढ़ती हैं जो विशेष तौर पर महिलाओं के लिए होती है। तो कहीं ना कहीं एक लेखक की जिम्मेदारी होती है कि समाज को एक ऐसा तत्व परोसा जाए जिसके उसके समाज के विकास में वो सहायक हो, ना कि बाधक। इसके लिए समाज में लेखकों के साथ आलोचकों और समालोचकों का सबसे बड़ा योगदान देखने को मिलता है। एक दोहा आपने सुना होगा कि निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिनु पानी बिन साबुन निर्मल करे सुभाए। अर्थात हम कह सकते हैं कि निंदा करने वाले को, बुराई करने वाले को अपने आसपास रहने दो, क्योंकि समाज हमेशा हमारे अंदर की कमियों को दूर कराने के लिए आए दिन हमारे सामने हमारी कुछ खामियों को सुनाता है। उस खामियों को जब हम समझने लगते कि वास्तव में मुझ में ये कमी है, तो हम उस कमी को दूर करने का प्रयास करते और हम में एक निखार आने लगता है, हमारा जो विचार है वो बदलने लगता है। वैसे ही जब एक लेखक या कवि अपनी रचना को लिखता है, क्योंकि यहाँ कवि जिसे पागल कहा जाता है, एक लेखक जिसे सनकी कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि कवियों की भी कुछ क्वालिटी होती है, जैसे कुछ कवि होते हैं जो उग्र स्वभाव वाले होते हैं, कुछ कवि सौम्य होते हैं, कुछ कवि अपने मन की बात को बड़ी सरलता से कह जाते हैं, कुछ इनडायरेक्टली हमें एक लक्ष्य मानकर समझाने की कोशिश करते हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पर समाज में कुछ उग्र स्वभाव वाले कवि होते हैं जो देशव्यापक रचनाओं में ऐसे कटु शब्दों का प्रयोग करते हैं। उनका उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाने का नहीं है, परंतु अगर उसके शब्दों को सुनकर कोई व्यक्ति उसके काव्य के गलत पक्ष को ले ले, क्योंकि हर बात के दो पहलू होते हैं, अच्छा और बुरा,
जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति अच्छे पक्ष को ही ले, कोई गलत पक्ष भी ले सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में समाज के सामने बहुत बड़े मुसीबत का सामना करने वाली बात होता है। इसलिए समालोचक होते हैं, आलोचक होते हैं, सुधारकर्ता का काम करते हैं कि किसी साहित्यकार की रचनाओं को पढ़ लेने के बाद आई हुई त्रुटियों को दूर करके सजा कर संवार कर उसे लोगों तक प्रस्तुत कराएं, ताकि उस कवि के द्वारा, उस लेखक के द्वारा लिखे गए लेख का जो मूलभूत उद्देश्य है वह पूर्ण हो। परंतु वहाँ से अनर्गल बातें, क्लिष्ट बातें जो किसी के मन को ठेस पहुँचाए, वैसी चीज़ों को हटाया जाता है, जैसे कि फिल्म इंडस्ट्री में होता है सेंसर बोर्ड। आप कहेंगे मैम हमेशा फिल्म इंडस्ट्री का ही नाम क्यों लेती हैं? मैं जब ऑफलाइन क्लासेस लेती हूँ तो भी मैं ये एग्जांपल ज़रूर देती हूँ, क्योंकि साहित्य है, साहित्यिक रचना है, तो इससे रंगमंच भी है। और रंगमंच, जैसे कि मैंने आपको इंट्रो वीडियो में बताया था कि दृश्य काव्य, जिसके काव्य के आनंद का अनुभव व्यक्ति देखकर करता है, तो रंगमंच, प्रहसन, नाटक, एकांकी, यह हमारे साहित्य का एक दृश्य काव्य का पक्ष है और उसका अत्याधुनिक रूप है हमारा जो आपका रंगमंच से उभर कर आए हुए रंगकर्मियों के द्वारा चित्रपट में, अर्थात वो जो पट या कपड़ों पर हमें चित्र के माध्यम से दिखाया जाता है, जिसे सिनेमा जगत कहते हैं। तो वहाँ एक फिल्म राइटर फिल्म लिखता है, एक फिल्म निर्देशक उससे निर्देशित करता है, लेकिन एक सेंसर बोर्ड का काम होता है कि उस पिक्चर में जो दिखाई गई चीज़ें हैं वो समाज में कहीं बाधा उत्पन्न ना कर दे, क्योंकि हमारे सामने वही परोसा जाता है जिसकी हम इच्छा रखते हैं। आप एक दौर देखिए, आज 120 वर्ष हो चुके हैं, 110 वर्ष से ऊपर हम फिल्म इंडस्ट्री को लेकर चलते हैं, कि 100 वर्ष के इस फिल्म के समय में आप खुद ही देखिए ना कि एक समय था जहाँ पर हमारे सेंसर बोर्ड और फिल्म इंडस्ट्री ने हमें ऐसी पिक्चर्स परोसी जहाँ पर वीरता से संबंधित राजाओं का वर्णन था। आप देखेंगे जहाँ पर हमारे पास मुगले आज़म जैसी फिल्म थी, जहाँ राजा से संबंधित पिक्चर हमारे सामने आती थी, वीरता से संबंधित प्रभाव हमें दिखाए जाते थे। एक समय का दौर आया जहाँ पर भक्तिपूर्ण रचनाओं से संबंधित पिक्चर दिखाई जाती थी, शिव जी पर आधारित, कृष्ण पर आधारित, रामायण पर आधारित, दुर्गा जी पर आधारित, संतोषी माता पर आधारित, शिरडी के साईं बाबा पर आधारित, तो भक्ति की एक धारा सी सिनेमा जगत में भी दौड़ने को मिली। और एक समय आया जहाँ रोमांस और रोमांटिक मूवी आई, इस समय हर एक थीम पर मूवी बनने लगी, डिस्को थीम आया, क्लासिकल आया, और भाषा पर भी प्रभाव। एक समय बंगाली कल्चर दिखाया गया, एक समय भोजपुरी कल्चर दिखाया गया, एक समय पंजाबी कल्चर दिखाया गया। समाज ने जैसा चाहा, सेंसर बोर्ड ने और फिल्म इंडस्ट्री ने हमें वैसा ही सौंपा। आज साइंस फिक्शन मूवी बनती है, क्योंकि अत्याधुनिक दौर पर हम आगे चल रहे हैं, तो बच्चों के द्वारा या लोगों के द्वारा साइंस फिक्शन मूवी पर ज़्यादा बल लगाया जाता है। आज के समय में जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ही आधुनिकीकरण पर बनाई जाती है, और यहीं पर एक जो जिम्मेदारी है कि समाज को वही दिया जाए जो समाज के विकास में बाधक हो। एक उदाहरण मैं बताना चाहूँगी। कहा जाता है कि एक पिक्चर थी गंगा जमुना, जिसमें समाज की परेशानियों से जूझता हुआ व्यक्ति हार जाता है और डाकू बन जाता है, लेकिन अगर वह इस स्थिति को, हर समाज का व्यक्ति मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए डाकू का रूप ले ले, तो यहाँ समाज डाकुओं से भर जाएगा, क्योंकि हर किसी के जीवन में जो है वह मुसीबत जो है देखने को मिलती है, कभी अच्छा है तो कभी बुरा है। लेकिन उस फिल्म को ऐसा न परोस करके उसके घटनाक्रम को थोड़ा अलग तरीके से प्रस्तुत कर दिया गया कि अंत में वो उसे आत्मग्लानी होती है, चूँकि वह समाज में एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत कर रहा होता है जो समाज के विकास में बाधक होते हैं, अंत में वह अपने आप को जो है वो पुलिस से लड़ता हुआ पाता है और आत्मग्लानी से भरपूर हो जाता है। तो थोड़ा इसको मॉडिफाई कर दिया गया। उसी तरह देखा जाए तो एक लेखक का दायित्व होता है कि दूसरी परंपरा की तलाश में जब व्यक्ति आगे की ओर बढ़ने लगता है, और इसके लिए जब वह अपनी रचनाओं को रचता है,
तो साहित्य के इतिहास की जिम्मेदारी हो जाती है लेखक की जिम्मेदारी सामान्य इतिहास के लेखक की बढ़ जाती है। और दूसरी परंपरा और तलाश की खोज में जब साहित्यकार आगे बढ़ता है तो समालोचक जो होता है वह उसके साथ चलता है और उस साहित्यकार को प्रगतिशील बनाने का काम करता है। परंपरा के मूल स्वर को जानने पहचानने परखने के लिए दार्शनिकों की भी हमें आवश्यकता पड़ती है। इन दोनों के मध्य लगा हुआ एक साहित्य को लिखने वाला इतिहासकार एक ऐसी रचना करने की जिम्मेदारी उठाता है कि अतीत के अनुभव को ध्यान में रखते हुए आने वाले भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वर्तमान में एक ऐसे साहित्य की रचना करता है जो उस साहित्य के द्वारा समाज के इतिहास के साथ उसके भविष्य को बनाए रखने के लिए वर्तमान में विकास में उसका सहायक होता है। और इस तरह साहित्य के इतिहास का एक आशय है, उसके कालकरण का नामकरण का आधार है, उसकी विशेषताएं हैं और साहित्य इतिहास को लिखने वाले लेखक का दायित्व होता है। अब आते हैं काल विभाजन के नामकरण की समस्या क्या थी। जो कालकरण के काल के नामकरण की समस्या क्या थी यदि हम बात करें तो यहाँ पर कालकरण काल के नामकरण की एक विशेष समस्या देखने को मिलती है, क्योंकि समय की धारा निरंतर प्रवाहमान है। समय की धारा निरंतर प्रवाहमान है और कहीं ना कहीं अखंड है, उसे कभी भी सीमा में बांधा नहीं जा सकता। तो इतिहास के कालकरण और नामकरण की समस्या के बारे में जानते हैं, काल विभाजन की समस्या के बारे में जानते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि समय की धारा निरंतर प्रवाहमान है, अखंड है, उसे सीमा में बांधा नहीं जा सकता। फिर भी साहित्य के वृहत स्वरूप को देखते हुए जो बौद्धिक वैज्ञानिक और सुबोध तरीके से उसका अध्ययन किया जाए, इसलिए उसे कहीं भागों में, कहीं खंडों में, कहीं उपखंडों में विभक्त करना आवश्यक हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे एक बहुत बड़े विस्तृत राज्य को बांटा जाता है नगरों में, महानगरों में, उसी तरह क्यों? क्योंकि उसके सुव्यवस्थित जो कार्य प्रणाली है उसमें उसे बांटा जाता है ताकि उसके विकास में, उसके कार्य प्रणाली में किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। उसी तरह साहित्य की जो धारा है उस धारा को अखंड और अक्षुण बनाए रहने के लिए उसे काल में विभाजित करना आवश्यक हो जाता है। माना कि इसके लिए जो खंडन है वह जो है कठिन है, परंतु जिस तरह हम एक प्रवाहमान नदी के किनारे घाट बनाते हैं ताकि उस घाट पर थोड़ी देर ठहर कर हम उस बहते हुए नदी के जल का उपयोग जो है कर सके, वैसे ही जैसे हमने देखा कि हिमालय से प्रवाहमान होने वाली गंगा को हमने हर जगह बांधा, गढ़मुक्तेश्वर में बांधा, हरिद्वार में बांधा, प्रयाग में बांधा, काशी में बांधा, और कहीं ना कहीं हर धारा में एक नया मोड़ हमको देखने को मिलने लगा। उसी काल सीमा में बांधकर हम नामांकित करने की कोशिश करते हैं हिंदी साहित्य को, लेकिन परिस्थितियों के साथ बदल जाने पर भी मानव चेतना की सीमा में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। जहां एक दिशा को छोड़कर दूसरी ओर उन्मुख हो जाता है मानव मस्तिष्क, इसलिए एक विचारधारा जो कुछ समय के पश्चात बदल जाती है और उस समय के परिवर्तन और परिवेश की कठोरता के नीचे दब जाती है और फिर जब नया शुरुआत करती है तो कहीं ना कहीं पिछले के अभाव प्रभाव उसमें जो है दिखाई देने लगते हैं। अर्थात जब उसे एक नया रूप प्रदान किया जाता है तो उसमें नई विशेषताएं दिखाई देने लगती है। ऐसी स्थिति में साहित्य के नामकरण को लेकर बहुत सारी समस्याओं का साहित्यकारों को सामना करना पड़ा। सबसे पहली समस्या ये आई कि आखिर काल विभाजन का नामकरण का आधार क्या हो, रचनाओं की प्रवृत्ति अथवा उसका समय। काल का नामकरण किस आधार पर किया जाए, क्योंकि कुछ लोगों ने तो 6 पॉइंट्स बता दिए थे ना, 6 नियम बता दिए थे ना अलग अलग तरीके से, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर समस्या यह आने लगी कि काल विभाजन का नामकरण आखिर इन आधारों में से किस आधार को माना जाए, कालावधि का निर्णय किस आधार पर किया जाए, काल विरुद्ध या कालगत प्रवृत्ति से अलग
अलग विशेषताओं से किस तरह उसे सीमा में बांधा जाए जिससे उसकी संपूर्ण परिस्थिति जो है वो उसको प्रदान की जाए। इसलिए साहित्य के इतिहास के काल विभाजन में अलग अलग प्रकार की समस्याओं का सामना करने को मिला। लेकिन इसके बावजूद यदि हम बात करें तो काल विभाजन का नामकरण और काल विभाजन के आधार को मद्देनजर रखते हुए कुछ साहित्यकारों के द्वारा ऐतिहासिक कालक्रम में उसे बांटा गया। आज के वीडियो में मैंने इसकी शुरुआत बता दी है। आने वाले वीडियो में ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार उसका वर्गीकरण जानेंगे कि किस साहित्यकार के द्वारा किस समय को कितने नाम से और कितने समय तक बांटा गया था। तो प्रमुख साहित्यकार और उनके द्वारा किए गए काल विभाजन की चर्चा आने वाले वीडियो में करेंगे। और यूं ही मेरे साथ बने रहिए। मेरे द्वारा समझाए जाने के प्रयास में अपने मार्गदर्शन जो मैंने आपको दिए हैं उसका एक प्रयोग आप अपने पढ़ने में करते रहें। उबाऊपन से ना पढ़ें। बार बार मैं ये अनुरोध करूँगी, एज अ टीचर, एज अ मदर मैं ये कहूँगी कि पढ़ना कभी भी उबाऊ नहीं होना चाहिए। क्योंकि बच्चा, यदि हम पढ़ते समय अपने दिमाग में बोझ लेकर पढ़ेंगे तो हमें कितने भी अच्छे तरीके से समझाने का कोशिश किया जाएगा ना, वो समझ में नहीं आता। ठीक है, तो मैं एक बहुत सरल तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी। मेरी भाषा उतनी साहित्यिक नहीं है, मैं आपकी ही तरह की बोलचाल की भाषा में समझा का प्रयास करूंगी। पर एक चीज ध्यान रखेंगे कि जब हम कुछ ऐसा तत्व जहां लेखन का प्रयोग किया जाएगा वहां चालू टाइप का जो भाषा शब्द होते हैं उसका प्रयोग नहीं करेंगे। हाँ, हमें साहित्यिक भाषा नहीं आती, परंतु एक शुद्ध हिंदी के अंतर्गत आने वाली अच्छे शब्दों के चयन से ही हमें उसे लिखना होगा। ठीक है, और कहीं भी कॉपीराइट करने की कोशिश ना करें, क्योंकि कॉपीराइट करने से आपकी एक जो पहचान है वो समझ में आ जाती है कि यह बच्चा नकल पर विश्वास करता है। नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है ना, इसलिए समझिए मेरे द्वारा समझाने से, लिखिए अपने शब्दों में। ठीक है, और यूं ही मेरे साथ बने रहिए और मेरे साथ पढ़ते रहिए हिंदी साहित्य का इतिहास। और आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का काल विभाजन साहित्यकारों के द्वारा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल माय बच्चा। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कंपटीशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।